महोदय, राष्ट्रपति का अभिभाषण पॉलिसी एंड स्टेटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट होता है। राष्ट्रपति के मुंह से सरकार अपना साल भर की नीति और अपना वक्तव्य कार्यक्रम बताती है, लेकिन राष्ट्रपति के मुंह से क्या क्या कहवाया जाता है? कहवाया गया है कि महंगाई को हम सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहे हैं। अंत में कहा गया जो इस पर एगो कमिटी बना दी गई है, इसके लिए सड़क से संसद तक सभी लोग लड़ रहे हैं, जनता त्राहि त्राहि मचाई हुई है, लेकिन सरकार का बयान उसी तरह से मैं बदलता हुआ बयान और विभिन्न रंग बिरंग का बयान सुनता हूं। जैसे कोई अपराधी पकड़ा जाए तो अपना बयान बदलता रहता है, वैसे सरकार का बयान उस अपराधी के तरह है जो कसूरवार है, और कबूल करता देश और प्रदेश सब लोग महंगाई बढ़ रही है, लेकिन सरकार लाचार दिखती है। इसको क्या कहा जाएगा कि सरकार में रहने लायक लोग नहीं है ये लोग, कि महंगाई बढ़ रही है और रंग बिरंग के बयान देकर जनता के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। ये महंगाई के खिलाफ सड़क से संसद तक लड़ाई चलेगी, रुकेगी नहीं, और निर्धारित लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। ये मैं कहना चाहता हूं। महोदय, महंगी रोको बाधो दाम, ये लोग बुझाता है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का कहा हुआ था। चीनी से गन्ना की कीमत सरकार तय करती है, स्टैट्यूटरी प्राइस। चीनी की कीमत कौन तय करता? अनाज की कीमत सरकार तय करती। अब बाजार में अनाज की कीमत कौन तय करता? एक तरफा। प्लीज प्लीज प्लीज, एक तरफा चल रहा है। नो इंटरप्शन प्लीज। महोदय, इसे ही कारण है महंगाई के। बाजार को इन्होंने छूट दे दी है, किसान से खरीदा जाएगा अभी, कभी आलू सस्ता हो गया ठंडा घर में जाएगा, उसके बाद उसकी कीमत आम उपभोक्ता सहन करेंगे। सरकार से सरकारी जो कीमत निर्धारण है उससे किसान से ले लेगा, और जब व्यापारी के घर में जाएगा तो उसका भाव बढ़ जाएगा, आसमान छुएगा। बता रहे कोई कि 130 रुपए कुंटल गन्ना सरकार ने तय किया, और 50 रुपए किलो चीनी मिल रही है आम उपभोक्ता के, ये कोई देखने वाला नहीं है। अब बयान देकर धोखाधड़ी करके बयान बदल रहे हैं। कोई कुछ, कोई कहे परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ रही है, तो कोई कहेंगे राज्य सरकार का दोष है, तो कोई कहेंगे इंटरनेशनल फेनोमेना है। रंग बिरंग का बयान मुझे समय नहीं है, एक दर्जन बयान सरकार का है, और यह लाचारी और विवशता किस बात से है? इन्होंने सभी को लूट करने की छूट दे दी है, यह आरोप है। और नहीं तो यह हमको बताए सरकार, इनको क्या कठिनाई है मूल्य तय करने में, मूल्य निर्धारण करने में, दाम बांधने में, कि साल भर में किसान या माल की कीमत में 20% से ज्यादा का घटबर नहीं होगा। ये कानून क्या नहीं बना रहे हैं? डीएमके का लोगों ने, कोई सदस्य माननीय सदस्य ने सवाल उठाया है कि क्या नहीं कीमत के निर्धारण का कानून होता। अभी किसान कारखानिया माल है उसका मनमानी कीमत पर बेच रहे हैं, क्या लागत है और क्या आम आदमी खरीदता है, उसके लिए मूल्य का निर्धारण हो, अन्नदान का घटना बढ़ना अनासेर के अंदर हो, हर कारखानिया माल की कीमत लागत से डेढ़गुनी हो, डेढ़गुनी से नहीं अधिक, लेकिन 5 गुना 8 गुना 10 गुना सीमेंट छड़ सब दाम बढ़ाने की छूट हो गई है। वो आजाद है, जो पूंजीपति है वह आजाद है कि मनमानी कीमत वसूल करने में, लेकिन किसान बेचारा निसहाय है, वह क्या कीमत में? तो सरकार ने तय कर दिया उसी पर होगा, गन्ना का सरकार ने तय कर दिया उसी पर होगा, लेकिन आम उपभोक्ता परेशान है महोदय। इसलिए सवाल नंबर 2, सरकार ये बताए कि किसान के खेत के की कीमत और किसान का उपजाया हुआ सामान की कोई कीमत तुम तय करते हो, तो आम उपभोक्ता के लिए जो खरीदेगा कोई बाजार में उसकी कीमत क्यों नहीं तय करते हो, क्या कठिनाई है? एक कैटेगरिकल मैं जवाब चाहता हूं, नहीं तो महंगाई बढ़ाने का कसूरवार केंद्र सरकार,
कोई इसे काट नहीं सकता या काटे हर कोई माई का लाल हिंदुस्तान के अंदर जो मेरी बातों को काट सके, मैं चुनौती देता हूं। नहीं तो सरकार बताए कि सरकार किसान के सामान की कीमत सरकार तय करती और बाजार की कीमत व्यापारी तय करते और सरकार नहीं है इसमें, कहेंगे बाजार है, डिमांड सप्लाई है, इसीलिए बड़ा भारी गहरा षड्यंत्र है महोदय इसमें। नंबर दो, नंबर तीन, एक किसान का सवाल और गांव में किसान जो त्राही त्राही कर रहे हैं खाद बीज। प्लीज प्लीज प्लीज, ये कर्ज पूरा ये बताना आपका काम नहीं है, इट इज नॉट योर वर्क। प्लीज महोदय, किसान का सवाल, इन्होंने कहा है हम फूड सिक्योरिटी करेंगे, फूड सिक्योरिटी, यह भी महोदय धोखा है। हिंदुस्तान की आबादी 118 करोड़ आज है, 118 करोड़, 2020 तक 130 करोड़ पर पहुंचेगा महोदय। और एक गीत हमने सुना था, चुंदरिया घटती जाए रे उमरिया बढ़ती जाए, मैं आबादी बढ़ रही है, जमीन घट रही है, 14 करोड़ 30 लाख से घटकर हेक्टेयर से घटकर 14 करोड़ एकड़ हेक्टेयर जमीन हो गई, 30 लाख हेक्टेयर जमीन घट गई है, उत्पादकता नहीं बढ़ रही है और जमीन का रकबा सिकुड़ रहा है खेती का, कैसे फूड सिक्योरिटी करेंगे? ये लोग बड़ा आयात में चस्का लगा हुआ है, लोग को निर्यात में चस्का लगा हुआ है, लोग को आयात करके अनाज आयात करके फूड सिक्योरिटी होगी? नहीं नहीं, देश का गला कटेगा, किसानों का गला कटेगा, गरीबों का गला कटेगा, इसीलिए फूड सिक्योरिटी से पहले अनाज का उत्पादन और उत्पादकता कैसे बढ़े उस पर ख्याल करना पड़ेगा। कहते राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 5 वर्षों में 25,000 करोड़, खाद्य सुरक्षा योजना सुरक्षा मिशन 5,000 करोड़ और फिर बागवानी मिशन और ये सभी योजनाएं चल रही है। माननीय सदस्य कितने हैं सो जानते हैं, कहीं भागीदारी है कहीं? कहां पर कृषि विकास योजना, खाद्य सुरक्षा मिशन, बागवानी मिशन, माननीय सदस्य जितने इस पक्ष उस पक्ष के बैठे हैं किन्हीं को है जानकारी? जब तक जानकारी नहीं होगी, भागीदारी नहीं होगी, समझदारी नहीं होगी, खबरदारी नहीं होगी, ईमानदारी नहीं होगी, उस योजना का कोई मतलब नहीं होगा, उस योजना का आज नहीं तो कितना खर्चा हुआ आज रघुवंश बाबू, 25,000 करोड़ में कितना खर्चा किया हिसाब दो। खाद्य सुरक्षा मिशन में 3 वर्षों में 5,000 करोड़ में कितना खर्चा किया? राष्ट्रीय बागवानी मिशन में कितना खर्चा किया? रंग दाल उत्पादन, तेलहन उत्पादन, दाल का उत्पादन स्टैग्नेंट हो गया है। कहते कोई उपाय नहीं है, 100 रुपए किलो दाल हो जाएगा, हमारे पास कोई उपाय नहीं है, आप सरकार में रहने लायक नहीं है, यही ये जवाब है और दूसरा कुछ नहीं। इसीलिए अनाज का महोदय वही हाल है, किसान का बुरा हाल है महोदय। रघुवंश बाबू, आप बहुत काव्य में ढंग से बोल रहे हैं, मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं आपको टोकूं, लेकिन समय समाप्त हो रहा है। लेकिन महोदय आपके आने से हमको खुशी हुई थी, इसलिए संक्षेप में मैं एक है उदाहरण, राष्ट्रपति के अभिभाषण में उदाहरण है, अल्पसंख्यक के हम कल्याण करेंगे, यह धोखा है अल्पसंख्यकों के साथ। कहां गया सच्चर कमीशन, कहां है फातमी कमेटी रिपोर्ट, कहां है रंगनाथ मिश्रा आयोग, कहां गया यह सवाल, इसके समाधान के एक जिक्र नहीं है, जिक्र नहीं है इन तीनों कमीशनों का। इन अल्पसंख्यकों का क्या होगा महोदय, ये मैं सवाल उठाना चाहता हूं, कैटेगरिकल जवाब दे, क्यों दबा कर रखा है रंगनाथ मिश्रा आयोग को, क्यों दबा कर रखा है सच्चर कमीशन रिपोर्ट को, फातमी कमेटी रिपोर्ट को कहां दबा कर रखा है, उस पर क्या कार्रवाई हुई है, ये मैं जानना चाहता हूं, नहीं तो माइनॉरिटी के साथ धोखाधड़ी है महोदय। इसी तरह से सवाल है पसमंदा मुस्लिम,
ताली ताली यहाँ नहीं, ताली अल्पसंख्यक लोग जो यहाँ सुनेंगे देखेंगे उनके यहाँ उसका मर्म खिलेगा। आप यहाँ संदीप जी, संदीप जी आप बहुत गहराई से तालियों को भी देखते हैं कि किसने बजाई किसने नहीं बजाई। जी बीजेपी में तो आपका मर्दानी हम लोग देखना चाहते हैं, दिखाइए। सभापति महोदय, अरे महोदय, कबीर दास जी का है, अचरज देखा भारी साधु, अचरज देखा भारी रे। तो कबीर दास जी ने कभी अचरज देखा था, उससे ज्यादा अचरज मैं देख रहा हूँ। मैं क्या देख रहा हूँ? मैं देख रहा हूँ कि हिंदुस्तान के सिंहासन पर महिला बैठी है, हिंदुस्तान के विभिन्न आसनों पर महिला बैठी है, नहीं नहीं, विभिन्न उच्चासनों पर महिलाएं बैठी है। महोदय, नाम का भी पोस्ट भी मैं गिना दूंगा, लेकिन समय नहीं है। लेकिन महिलाओं की क्या स्थिति है महोदय? 6 लाख महिला आशा गांव में काम करती है, 6 लाख महिलाएं बिना रिमुनरेशन के 500 भी भत्ता नहीं मिलता। कुछ खास खास काम मिलेगा तो 150 मिल जाएगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। उसकी संचालन समिति में यह फैसला हुआ कि कम से कम 500 मासिक भत्ता उन लोग को मिलेगा। बाद में आया कि भाई नांस नहीं माना, उस संचालन समिति के रिपोर्ट की अवहेलना, और महिलाएं तमाम जगहों पर बैठी है। उसके बाद भी 6 लाख महिला आशा महिला जो सरजमीन पर गांव में ग्राउंड लेवल का काम कर रही है, नंबर एक। 14 लाख आंगनबाड़ी सेविका, 14 लाख आंगनबाड़ी सहायिका, एक जंतर मंतर पर करेजा पीट पीट करके, थाली पीट पीट करके आया कोई सुनने वाला है? ये सभी सिंहासन मयूरासन छोड़ के आ रहा है, आरक्षण रहा है महिला का। ये क्या है महोदय? यह धोखाधड़ी है, महिलाओं के साथ धोखाधड़ी। और उसमें जो जो वंचित समाज है, माइनॉरिटी की महिला का क्या होगा? क्या नहीं हिस्सा देना चाहते हो? जो अनुसूचित जाति के महिला का क्या होगा? पिछड़ी जाति के महिलाओं का क्या होगा? उसका हिस्सा क्या नहीं देना चाहते हो? ये हमको बता दे कि जो वंचित है, जो ऐसे वोट में नहीं जीत करा सकती, उनको ना आरक्षण, नहीं, जो बिना आरक्षण के ही तमाम पदों को दखल कर लिया है उनके लिए आरक्षण, नहीं नहीं, यह न्याय संगत नहीं होगा और छल होगा। इसीलिए मैं ये सवाल उठाना चाहता हूँ महोदय। इसीलिए अब थोड़ा रीजनल डिस्पैरिटी पर अब मैं नहीं, रघुवंश बाबू आपका गला बैठ रहा है, मुझे उसकी भी चिंता हो रही है। महोदय, मैं करोड़ों की बात बोल रहा हूँ, जो दबे हुए लोग, गरीब जो ध्यान लगाए हुए हैं, उनके लिए बैठ बोल रहा हूँ। इसीलिए बोलते बोलते गला बैठ जा, उसके लिए भी हम अपने को सौभाग्यशाली मानेंगे कि करोड़ों की आवाज उठाने में गला बैठ ही जाएगा। मधुर स्वर की कल्पना कोई नहीं कर सकते। इसीलिए महोदय, ये कहा गया है 20 किलोमीटर सड़क रोज राष्ट्रीय राजमार्ग हम बनाएंगे, बना रहे हैं कितना? 20 किलोमीटर। हम तो कहते हैं 1 किलोमीटर आप बना दीजिए। बिहार में 4 लेन की सड़क आज से 5 वर्ष पहले मंजूर हुई, 1 किलोमीटर भी आप बना दीजिए, 1 किलोमीटर सड़क आप बना दीजिए। सरकार की पॉलिसी है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर और गोल्डन क्वाड्रिलेटरल को राजधानी से जोड़ेंगे, उसी को खाली आप जोड़ दीजिए तो हम मान लेंगे। लेकिन कितने बरस हुआ? 6 वर्ष से ज्यादा हो गया महोदय। और शेर शाह 4 वर्ष में ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाए थे, 4 वर्ष में है? प्लीज प्लीज प्लीज, मंत्री थे तो सब आपका कागज में होगा, आपके पलटने का राज हमारे मंत्रित्व में है, यही उसका जवाब। रघुवंश बाबू हाँ, कृपया प्लीज प्लीज। लालू जी, हम आपसे पूछ लेते हैं, नहीं तो बाद में आप इल्जाम लगा देते हैं कि बोलने नहीं देते हैं, लेकिन मजबूरी आसन की होती है। ना ना महोदय, मैं आरजेडी को तो सिर्फ कंक्लूड करने का मौका मिला है,
सब लोग बोल चुके हैं, हम लोग कंक्लूड कर रहे हैं, इसलिए सुनिए टाइम लग रहा। अभी लिस्ट तो मेरे पास है ना जी, लंबी लिस्ट है अभी महोदय। इसलिए जो क्षेत्रीय विषमता है और हिंदुस्तान में क्षेत्रवाद है, विभिन्न दूसरे राज्य के लोग दूसरे इलाके में मारे पीटे जा रहे हैं और केंद्र सरकार मौन है, नेशनल इंटीग्रेशन के लिए यह प्रश्न चिन्ह है महोदय। नेशनल इंटीग्रेशन का मैं सवाल उठाता हूं कि क्षेत्रीय विषमता जहां क्षेत्रवाद जब तक हिंदुस्तान से खत्म नहीं होगा, क्षेत्रवाद और क्षेत्रीय विषमता। प्लीज प्लीज, ये किसी के साथ भी हो सकता है, इसको बहुत इश्यू मत बनाइए। क्षेत्रवाद और क्षेत्रीय विषमता प्लीज, ऐसे आतंकवाद जैसे संप्रदायवाद हिंदुस्तान का दुश्मन है, उसी तरह से क्षेत्रवाद और विषमता शेर सिंह के लिए दुश्मन है। गुबाया महोदय, शेर सिंह गुबाया सवाल को उठाते हुए या की जो कैटेगरिकल उस पर जवाब आवे महोदय, नहीं तो 25 सूत्र पिछले राष्ट्रपति के अभिभाषण में आया था 25 को, ये कहा 100 दिन में काम पूरा करेंगे, एक भी काम नहीं हुआ। 100 दिन किया, 400 दिन पूरा हुआ, लेकिन एक भी काम पूरा नहीं हुआ महोदय। इसीलिए महोदय ये सवाल है कि सवाल का सवाल जवाब दे सरकार, अनहित तो हटे। धन्यवाद श्री शेर सिंह जी। श्री रघुवंश प्रसाद सिंह। सभापति महोदय, सरकार ने दावा किया है कि 1923 के कानून को हम द्वितीय श्रम सम्मेलन की अनुशंसा पर हम ये कानून लाए और स्टैंडिंग कमेटी में भी इस पर बहस हुई, चर्चा हुई, अनुशंसाएं हुई। और उन्होंने यह भी दावा किया है कि वर्कमैन का जो शब्द रखा गया है उसकी जगह पर इम्प्लाई, मतलब कर्मकार के जगह पर कर्मचारी रख दिया है, इन्होंने स्वीकार कर लिया है जो स्टैंडिंग कमेटी की अनुशंसा है उसको। हम इनसे सवाल उठाते हैं कि उस विधेयक का नाम है वर्कमैन कंपनसेशन कानून, उसका नाम है, और उसके भीतरी में वर्कमैन की परिभाषा बदल के जगह पर इम्प्लाई रख दिया गया, तो फिर ये कानून के नाम में वर्कमैन क्यों है, उसको इम्प्लाई इन्होंने क्यों नहीं किया। कानून के अंदर में वर्कमैन की जगह पर इम्प्लाई को इन्होंने स्वीकार कर दिया, तो भीतरी में स्वीकार किया तो ऊपरे हेडिंग में जो नाम है मुख्य नाम उसी में वर्कमैन की जगह इम्प्लाय इन्होंने क्यों नहीं रखा, ये हमारा सवाल नंबर एक है। फिर दावा किया महोदय 1923 का कानून है, 80,000 कंपनसेशन बढ़ने पर और 90,000 घायल होने पर, तो उसको बड़ा इन्होंने साहस दिखाया है, तो 8 / 12 ये समझा जाए महोदय, आप तो सब जानकार आदमी हैं, मजदूरों के हित के लोग हैं। 1923 में 80,000 आई, अखनी बड़ा साहस किए वर्कमैन आई लोग, बड़ा धन्यवाद भी चला रहे हैं, अब बहुत बधाई भी कर रहे हैं कि हाँ भाई, तो 2000 से 2009 में क्या हालत है क्या सवाल का, माने ऐसा माने देखिए, सत्ता पक्ष से आग्रह है कि जरूर विधेयक पास कराने में आप वोट दे दीजिए, जनता है और खास करके गरीब आदमी जो मेहनत कश मजदूर है उसके सवाल में झूठा के नहीं वाहवाही मत दीजिए, मत दीजिए। मैं अभी बताता हूं आपको इसमें भेद सब,
कहां गरीब आदमी का काम देखने वाला है। ऐसा न कानून के उलझा, तीन पन्ना में कर्मचारी के परिभाषा है, तीन पन्ना में। असली जो कामगार है वो आएगा ही नहीं इसमें, मर गया काम कर रहा है। इसमें कर्मचारी नियोजित जो है, अजय कर्मचारी बीमित है, निधा कर्मचारी बीमा निगम में नियमित है, उनको नहीं। कुछ लोग ऐसे कार्यरत होते, नियोजित होते, उनका कागज मिलेगा महोदय? आता हम लोगों के यहां से दिल्ली में माथा पर ईंटा लेकर चलता, वहां सिर ही पर चल रहा है, वो उसका दबा टूट गया, गिर गया, मर गया, कहां उसका विधान है? कौन कौन से उस गरीब आदमी की सहायता होगी? कहां से कंपनसेशन मिलेगा? छोटे छोटे कारखाने चलते, खतरनाक, सब हाथ से चलाता, हाथ उसमें घुस जाता, हाथ कट जाते, मर जाता है आदमी, दौड़ता परेशान होता, कहां वो कानून, कौन में कौन परिभाषा होगी? देखिए, तीन पन्ना में परिभाषा लिखे हैं, खाली नौ वाला परिभाषा लिखे हैं। फलना आदमी इसमें नहीं होगा, फलना आदमी इसमें नहीं होगा, तो कौन आदमी इसमें होगा? पॉजिटिव ना परिभाषा होनी चाहिए, परिभाषा से ही हमको भारी मतभेद। देखिए परिभाषा में इन्होंने क्या लिखा, एक तई कर्मचारी का कर्मकारों के बदले कर्मचारियों लिखाएगा, इस सब कोई इससे कोई मतलब? असली है परिभाषा, कर्मचारी से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो अनुसूची दू में यथा निर्दिष्ट ऐसी किसी हैसियत में नियोजित नहीं है, निगेटिव है। जो नियोजित नहीं है तो कौन है उसमें? इसमें संपूर्ण पन्ना में खोज जाएंगे महोदय, गरीब आदमी जो माँ काम कर रहा है कहीं भी, कोई उसका नियोजन कागज बनाता है? उसका जो छोटा छोटा कारखाना वाला कागज बनाता है, डेली मजदूर है, ठेकेदार ले आया, अभी अभी ना खतरा हुआ है मेट्रो में, आप लोग गए होंगे दिल्ली वाले देखने, देख मेट्रो में मजदूर काम कर रहा था, अब मर गया, जो कि गिर गया, वो उसका सहतीर और उसका जो शील था ऊपर से गिर गया, पिचा कर लोग मर गए, उसके नीचे बैठे थे वो मर गए, उनका क्या होगा? उनका इस कानून में है कहीं? ये सब बड़ा भेद है गरीब आदमी का, बड़ा भारी छल हो रहा है गरीबों के साथ, खास करके मेहनत कश के साथ। अब उसको कौन कानून में कहां से परिभाषित, कहां कानून लावेगा? निर्दिष्ट दू को देखा ना जाए महोदय, क्या क्या इसमें लिखे हुए हैं? मूल अधिनियम की अनुसूची दू में तो दादा ही तो आप लोग का काम था, आप लोग भी दावा करते वामपंथी लोग, वर्कमैन अखाली यूनियन कहकर रह जाते, गरीब का सवाल का हल कैसे होगा? फिर इन्होंने कानून बना दिया जे तीन महीना में कमिश्नर है घल कर देगा, लेबर कोर्ट उसको तय कर देगा तीन महीना में, और तीन महीना में नहीं करेगा तीन वर्ष तक रहेगा, पांच वर्ष तक रहेगा, उसका क्या करिएगा? कितना कोर्ट में मामला है गरीब आदमी से संबंधित और कितने दिनों तक चल रहा है, ये है जानकारी? ये महोदय है कोई प्रावधान? इन्होंने कानून तो बना दिया तीन महीने में हल होगा, इलेक्शन पटिशन का कानून में लिखा हुआ है छह महीने में फैसला होगा, एको को छह महीना में होता है? तो उस सब अनुभव से हम यह ऐसा कानून, चूंकि कानून न बनाया जा रहा है महोदय, हम सरकार से जानना चाहते हैं कि तीन महीना का कानून इन्होंने बना दिया जो तीन महीना में निष्पादन हो जाएगा, और तीन महीना में निष्पादन नहीं होगा तब तीन बरस लग जाएगा, तब पांच बरस लग जाएगा, तब क्या होगा? अभी ये हटा दिया मजदूर के यहां से, ये जो मरुत्ती है ना नामी कारखाना, ये इतना भारी दलाल लोग उसका सपोर्टर है, 150-200 कर्मचारी अधिकारी जो उसमें कार्यरत थे उनको हटा दिया, दादा का यूनियन लोग का कोई पार्टी वाला यूनियन चलाते हैं, और गुम मारे हुए हटा दिया, बर्खास्त कर दिया, और कोर्ट में गया, हमको लगता है 5-6 बरस हो गया महोदय। जाना जाता है वो गाड़ी का कारखाना है तो दे दिया, जो कोर्ट चलाते उनको एगो गाड़ी दे दिया, क्या फैसला? तो इसलिए लेबर कोर्ट में वैसा लचर कानून मत रखा जाए जिससे गरीबों को जो मर गए या घायल हो गए उनको न्याय नहीं मिल सके महोदय।
यही सवाल है कि एक सवाल बताएं कि 3 महीने में नहीं होगा तब क्या होगा, वो गरीब कहां जाएगा, किसके यहां दरवाजा खटखटाएगा। अब महोदय अंत में महोदय मैं खत्म मैं कर रहा हूं, लिखा है दैनिक जागरण श्रम कानूनों का सत्य एडिटोरियल है महोदय, आप तो दैनिक जागरण जरूर पढ़ते होंगे, क्या लिखता है से सुना जाए। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे की इस स्वीकारोक्ति का कोई मूल्य नहीं कि श्रम कानून तनिक भी प्रभावी नहीं है। ये कानून बनाकर क्या होगा, प्रभावी है ही नहीं, मंत्री कहते हैं श्रम के लिए कानून बनाएगा वो प्रभावी होगा जल्दी, तो ठीक इन्होंने कहा। तथा श्रमिकों एवं सेवा योजकों के बीच त्रिपक्षीय समझौता कराने के अतिरिक्त उनके मंत्रालय ने अभी तक कोई काम नहीं किया, कम समय मिला है कितना काम करेंगे। जिम्मेदार पदों पर बैठे व्यक्तियों और विशेष रूप से केंद्रीय मंत्रियों से यह अपेक्षा नहीं की जाती कि वे केवल समस्या की गंभीरता बयान करें, जो सरकार में नहीं है वो न गंभीरता बयान करेगा, इनको तो करना है एक्शन करना है काम करना है तब बयान करें, दुर्भाग्य से वर्तमान श्रम मंत्री यही कर रहे हैं। थैंक यू, विडम्बना या खत्म केलपंती है महोदय, कंक्लूड नहीं होगा तो इसका कोई अर्थ। विडम्बना यह है कि विभिन्न स्तरों पर श्रम कानूनों में बदलाव की आवश्यकता अनेक बार जताई जा चुकी है लेकिन नतीजा ढाक के 3 पात वाला है। अब महोदय तो हम नहीं, महोदय ये अखबार वाला एडिटोरियल विद्वान लोग संपादक लोगों ने अपना ऑब्जर्वेशन दिया है, लेकिन मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, जो गरीब मेहनत का सह मेहनत करने से ही दुनिया में कुछ निर्माण हो सकता, मेहनत से कारखाना चलता, कपड़ा बनता, घर बनता, ये सब पार्लियामेंट बना महोदय, मेहनत से कोई मजदूर ढोया होगा, उनका ख्याल नहीं किया जा रहा है। ऐसा ऐसा कानून मकर जाल बना दिया जाता जो दौड़ता रहेगा फार्म लेकर के मरने वाले की पत्नी आएगा एमपी साहब के यहाँ, लेबर कोर्ट नहीं सुन रहा, हमको नहीं दे रहा है, हमको कागज नहीं मिल रहा है, और मर गया जो मेहनत रोटी खा रहा था वो मर गया, उनके परिवारों का क्या होगा इसकी चिंता है। और यह श्रम मंत्री का दायित्व बनता है कि जो मेहनत कश देश में लोग हैं, असंगठित मजदूर हैं, कागज नहीं है, लेखा जोखा, दैनिक मजदूरी, गांव में काम नहीं मिला, आ गए हैं काम खोजने, माथा पर बोरा ढो रहे हैं, ईटा ढो रहे हैं, गिर गए कारखाना मशीन चला रहे हैं मर गए, पंपिंग सेट चला रहे उसमें घसटा कर मर गए, चक्की चल रही है, उनका कोई प्रावधान इस कानून में नहीं है, इस कानून से गरीबों का भला होने वाला नहीं है, उस तरह का कंप्रिहेंसिव आना चाहिए जो यह कंपनसेशन आई ये कम है 3 महीना वाला, एक भी प्रावधान ऐसा नहीं है जिसके लिए गरीब और मेहनत कश जो काम कर रहे कारखाना या जहां दौलत पैदा करते या जो निर्माण कर रहे हैं जो कामगार हैं उनका अभी तक भला इस विधेयक से हमको संभावना नहीं लगती। इसलिए सरकार से और सब सत्ता पक्ष सब लोगों से हम दरखास्त करते हैं और सदन से कि इस तरह की मनोवृत्ति और इस तरह की इच्छा शक्ति होनी चाहिए जो मेहनत करने वाले निरुत्साहित नहीं हो, असामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था ऐसी हो, कोई मेहनत कर रहा हो उनको ऐसा लगे कि हम काम कर रहे हैं, तो हमारे मरने के बाद भी हमारा परिवार लिखेगा नहीं, इस तरह की गारंटी मिस्टर लिंगम पहले से ही वो यू प्लीज सब बात पे विचार कर यू कैन कम इन द फ्रंट बेंचेस। धन्यवाद। श्री रघुवंश प्रसाद सिंह उपाध्यक्ष महोदय, नया सदस्य जो जीत कर आए हैं पूछते हैं कि वित्त विधेयक क्या होता है, इसमें क्या बोलना चाहिए। तो मोटा मोटी जो बजट में वित्त मंत्री ऐलान करते उसका कानूनी अमली जामा टैक्स वगैरह के
ये कानून बनाकर लाते हैं इसे और उसी को पास कराते हैं। क्या बोलना है? तो जनता से आप टैक्स वसूल करते हैं और उसको कहाँ खर्चा करिएगा नहीं करिएगा, तो सब विषय पर इस पर बोला जा सकता है। लोग नया सदस्य के लोग कन्फ्यूज कर देता है, खाली टैक्स पर बोली तो टैक्स के पैसा वसूली होगा, कहाँ खर्चा होगा वो नहीं बोलेगा। तो इसीलिए उपाध्यक्ष महोदय, टैक्स का वित्त मंत्री जी ने कौटिल्य का जिक्र किया है, ये ठीक बात है कि दुनिया में जब कोई अर्थशास्त्र का नाम नहीं जानता था तो यहाँ कौटिल्य के अर्थशास्त्र से दुनिया वालों ने हमसे अर्थशास्त्र सीखा है। बाद में मार्शल, एडम स्मिथ, रंग बिरंग के इकोनॉमिस्ट आए, फिर भी हमारा पुरखों ने दिया है अर्थशास्त्र, उसमें टैक्स का पाल साहब करने तो चले गए। वह आप रहिएगा अपने, अभी आपका ठीक करते हैं। महोदय हाँ ठीक, ये हमारे सपोर्टर हैं लेकिन गड़बड़ा जाते हैं बोलने, मेरी संजय निरुपम की तरह बोलने लगते हैं। अभी बता देते हैं। तो इसीलिए महोदय ये ठीक है कि भावड़ा वाला सिद्धांत की भावड़ा मधु लेता फूल में से बिगाड़ता नहीं, वही टैक्स का सिद्धांत है। और फिर वर्षा कैसे होती है? जहाँ पानी है, समुद्र है, मॉइस्चर है, ताप होता, भाप बनता और वो बादल बन जाता, फिर वर्षा होती। और कभी ऐसा हो कि समुद्र में भाप बने या सब समुद्रे में वर्षा हो जाए तो बड़ा भारी अनर्थ हो जाएगा कि नहीं? ये सरकार का वही हाल, वही हाल। महोदय सवाल नंबर एक, वित्त मंत्री जी बजट तय करते या टैक्सेशन आदि, इन्होंने दावा किया है कि हम डायरेक्ट टैक्स कोड लाएंगे, इन्होंने दावा किया है कि हम कर प्रणाली को सरल करेंगे आदि आदि, विभिन्न किस्म के दावा इन्होंने किया है। CII, SOCHM और नहीं वो है फिक्की, ये तीनों के अलावे कौन संगठन से ही बतियाए? केवल बड़े आदमी जो उद्योगपति धन पशु है देश में उसी के संगठन से ही बतियाते हैं। छोटा छोटा ट्रेडर ही सही जो 10,000-20,000 लाख रुपया का कारोबार करते, उनका कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यूनियन है। छोटे छोटे कारोबारी जो जिला में, ब्लॉक में, कस्बा में जो उद्योगपति बनाते हैं, उसके सामान के खरीद बिक्री करते हैं गांव में, उनसे कभी नहीं बात करते। नॉर्थ बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स मुजफ्फरपुर हमसे संपर्क किया, कहा हम लोग की बात सुनी नहीं जाती क्या? व्यापार के हम लोग हिस्सा नहीं है, खाली फिक्की या SOCHM आए, ये CII खाली बड़े आदमी से लाग रखते हैं, आम आदमी से, किसान के संगठन से कब इनकी बातचीत हुई? गांव के लोगों से कब बातचीत हुई है? गरीब आदमी से कब बातचीत हुई है? उनकी क्या समस्या? खाली बड़े आदमी सभी अलग अलग दायरों से लोगों को बुलाते हैं और साथ साथ मीटिंग उसमें हुई थी। उपाध्यक्ष महोदय हमको तो जो कंप्लेन आया है से आया, अभी संसदीय कार्य मंत्री उठे हैं, अभी हम पूछते हैं। जसवंत बाबू आप करके जानकार है, तनी आप समझिए। माननीय सदस्य अपनी बात बोलिए। महोदय लेन देन में 1968 में 2,500 रुपए का नगदी कारोबार था लेन देन के लिए, 88 में हो गया बढ़ करके 10,000, 97 में 98 में हो गया बढ़कर 20,000। 97 से आज तक इन्फ्लेशन नहीं बढ़ा? जो इनकम टैक्स की धारा 40 है उसमें सुधार करने का होश नहीं है? संसदीय कार्य मंत्री दावा करते हैं, हम सबसे बतियाते हैं, सबसे बतियाते हैं, तो इसमें क्यों नहीं सुधार किया? सवाल नंबर दो आप बताइए, 1968 में 2,500, 88 में 10,000, 98 में 20,000, 2010 12 13 वर्ष हो गया 20,000 का के इन्फ्लेशन उसको नहीं बढ़ा है? वहां सब जगह बैंक है, कैसे खाता में जमा करेगा? एक दिन में 20,000 जमा करेगा, 10 मिल जाएगा तो आज जमा करेगा, फिर वो बिहान भेले 20,000 जमा करेगा।
इसीलिए ये सब साधारण बात है, जो गरीब आदमी और आम मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास उससे आप बतियाएंगे तो सब जानकारी हो जाएगी। अब पाल साहब कह रहे थे कि बहुत भारी हम कर प्रणाली के सुधार किए हैं, सहायता किए हैं। एक बात का कोई जवाब दे दे, सवाल नंबर तीन, जिनका आमद होगा 4 लाख साल में उनको 2060 की छूट इन्होंने दी है, 5 लाख के 12,000 की छूट दी है, 2 लाख के आमद वाला के आप क्यों नहीं छूट दिया है को पैसा, कोई जवाब दे। 10 लाख वाला के 8 लाख वाला के 45,000 और 10 लाख वाला के 57,000 और 2 लाख वाला के एको पैसा न छूटी। कहते हैं जो हम गरीब के या कम आमद वाला के या मझोला लोग के मददगार हैं, जवाब दीजिए 2 लाख वाला के क्यों आपने कोई छूट नहीं दी, 3 लाख के 2,000, 4 लाख के 2,000, 5 लाख के 12,000, 8 लाख के 45,000 और 10 लाख के 57,000। मोटी कमाई मोटी छूट, जिनकी आमद है ज्यादा उनको ज्यादा दे रहे हैं छूट, जिनको आमद है कम 2 लाख एको पैसा छूट नहीं। कहते हम कर प्रणाली के सुधार कर रहे हैं, कर प्रणाली के आप बिगाड़ रहे हैं, मूल सिद्धांत से अलग जा रहे हैं। अब मोटा मोटी महोदय अब सब विषय पर हम जाएंगे तो आप फिर टोकने लगेंगे। हम एक सवाल नंबर 4 की, सवाल नंबर 4 हमारा है कि इन्होंने दावा किया कि हम बहुत तरक्की या इकोनॉमी का जीडीपी ग्रोथ और ये संजय निरूपम बोल रहे थे। एगो महोदय राजा थे और उनकी प्रजा का बड़ा बुरा हाल था, अच्छे अच्छे लोग जाकर कहते थे प्रजा के बुरा हाल है। तो एक हजाम ठाकुर थे नाई जो बाल बनाते, उनको एक गाय दान में मिली हुई थी, अच्छत उछत मिलता था, रोज दिन दूध भात खीर बनाकर खाते थे। राजा कहते थे हजाम ठाकुर आप घड़े घड़े जाते हैं घूमते हैं बाल बनाने, प्रजा का क्या हाल है? हजूर बड़ा आनंद में है, प्रजा को बहुत जय जय है, कोई दिक्कत नहीं। दूध उसके बाद होशियार लोग सब लोग जो थे अर्थशास्त्री जानकार और समाज के परख वाले राजा के कहते थे बहुत तकलीफ है बहुत तकलीफ है। राजा बातें ना कोई सुने, वो तो हजाम ठाकुर की बात सुनते थे, जो घर घर जाता है और गरीब घर का है। एक दिन एक होशियार आदमी कहा से हजूर गाय बड़ी अच्छी है हजाम ठाकुर के मंगवा न लिया जाए, तो उनके खूंटा से अपना ही गाय आ गई। कल होकर हजाम ठाकुर आते हैं, राजा पूछते हजाम ठाकुर आपकी अथी बताइए प्रजा का क्या हाल है? हजूर खाने खाने बिना मर रहा, वही हाल में यहां देखता हूं, जो बड़े घर से आते उनको महंगाई बढ़ी है, बड़ा आदमी को महंगाई की क्या तकलीफ है? और ये कहते जे हम गरीब और मुखिया किसान और मुखी हैं, इस देश में 100 करोड़पति अरबपति धन पशु हुआ है, अमेरिका में कई गो है, उसमें से अपने देश के की तो ज्यादा आ गया, अपना यहाँ के 43 है, 43 गो है धन पशु अपना यहाँ का, और वहां अमेरिका के कम में हो गया और देश का कम हो गया। और यहाँ जब गरीब गरीब की गिनती होती है तो 80% गरीब, कोई कहते 37% गरीब, कोई कहते 50% गरीब, विभिन्न कमीशनों की रिपोर्ट क्या बताती है, गरीबी बढ़ रही है रुक नहीं रही है। तो ये कौन इकोनॉमी चला रहे हैं, सवाल नंबर 5 कि जिसमें धन पशु दुनिया में 100 माननीय सदस्य आप कितना कितना प्रश्न है जी महोदय, महोदय 5 है अभी 5 हुआ, संक्षेप में पॉइंटेड बोल रहे हैं, हम पॉइंटेड बोल रहे हैं तो इसलिए, और गांव के गरीब और किसानों की क्या हालत है, किसान आत्महत्या करते अब क्या सबूत दिया जाए? एक तरफ अरबपतियों का 100 घर कहां पर जा रहा है, ये कौन इकोनॉमी चला रहे हो? ब्लैक इकोनॉमी इसी को कहते हैं, काला धन। कहते बड़ा हम ऐसे एफिशिएंट है, कई बरस से चल रहा है आईपीएल, कई बरस से चल रहा है, 3 बरस से, कपिल देव खिलाड़ी आईसीएल शुरू किया था, कहा नहीं आप नहीं करा सकते, मोनोपोलाइज आईपीएल का,
और 3 बरस से लूट हुई, हेरा फेरी हुई। कहाँ है वित्त विभाग, कहाँ है सरकार, कहाँ है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, कहाँ है सरकार? मैं जानना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ, मोनोपोली उसको किसने दी? इतना हेरा फेरी जब आपस में चोरों के बीच में हिस्सेदारी का झगड़ा हुआ, तब कहते हैं वहां से वित्त मंत्री, हम जांच करा रहे हैं, हम जांच करा रहे हैं। 3 बरस सुनने क्या किया? वित्त एक तुम्हारा होम मिनिस्टर मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, वित्त मंत्री क्या मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा कि 3 वर्षों तक कहां थे? जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट तुम्हारा कहा था, इनकम टैक्स विभाग कहां था, क्यों मोनोपोली उसको दिया? कहां है खेल विभाग, कहां है शासन? इसीलिए सवाल नंबर 6। अब महोदय, महोदय मैं सवाल नंबर 7 पूछता हूं, कोई जवाब दे इसका, कि जितना खर्चा हो कोई भर्ज नहीं, पानी के तरह पैसे बहाव देश में छूट है, क्यों खर्चा पर पाबंदी नहीं लगाते? क्या और कब खर्चा पर पाबंदी लगाने में क्या तकलीफ है, क्या हर्जा है? महोदय नहीं कर सकते। महाभारत की कहानी है, भीष्म पितामह बाणसैया पर थे और बाणसैया पर रहने के बाद वो उपदेश कर रहे थे ज्ञान के। द्रौपदी हंस पड़ी, भीष्म पितामह ने कहा बेटी क्यों हंसती हो? कहा भरी सभा में चीरहरण हुआ, कहां ज्ञान चला गया था, अभी आप बड़ा ज्ञान के उपदेश कहते हैं। भीष्म पितामह ने कहा दुर्योधन का अनाज खाया था, ज्ञान खत्म भ्रष्ट हो गया था, अब खून निकला है और अब शुद्ध खून बह रहा है तो हम ज्ञान की बात बोल रहे हैं? तब भीष्म पितामह जैसे महान पुरुष दुर्योधन का अनाज खा करके न्याय की बात नहीं कर सका और अन्याय को रोक नहीं सका। जो सरकार और जो लोग पूंजीपतियों के पैसे से भागते हैं, पलते हैं, गरीब का वो नहीं सोच सकता, गरीब का नहीं है। भीष्म पितामह नहीं सोच सके, न्याय की बात नहीं कर सके, क्यों लाचार और विवश हो? मांगी रोको बांधो दाम, नहीं तो होगा चक्का जाम। ये जवाब दे सवाल नंबर 7, कोई जवाब दे, दाम क्यों नहीं बांधा जाता? इसीलिए किसानों की तकलीफ बढ़ रही है, उनका कोई खरीद बाल नहीं है, बिचौलिया मालो माल हो रहे हैं। सवाल रह गया, रेकर में नहीं जा रहा, अच्छा लग रहा। 3 सवाल वो लोग का जैसे इंडिया शाइनिंग है वैसे इंडिया शाइनिंग, ऐसा मैं क्यों कहता हूँ? इसलिए दुधारी तलवार हो गया, इसलिए राज्यों की क्षमता बढ़ गई सालाना 20,000 करोड़ खर्चा करने की, ये 12,000 करोड़ बजट लाए हैं। प्रधानमंत्री सड़क योजना में सभी राज्यों की मांग 5,000 करोड़ की पड़ी हुई है, 5,000 करोड़ की सड़कों की स्वीकृति पड़ी हुई है, बजट इनका है 12,000 करोड़ का, सड़कों के निर्माण का काम बंद है। माननीय क्षेत्र सदस्य अपना क्षेत्र में जाएंगे, देखेंगे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का काम बंद है। मैं नहीं जानता हूँ वित्त मंत्री को यह हिसाब की जानकारी है कि नहीं, पैसे के बिना काम बंद है। बजट कम कर दिया, 17,000 करोड़ पिछला साल खर्च हुआ, कोई पूछा जे 12,000 करोड़ इस साल बजट क्यों किया, क्यों बजट घटाया, क्यों कम किया? माननीय डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत देश में 14 अस्पतालों को उत्क्रमित कर एम्स का दर्जा दिया गया है, लेकिन बिहार की आबादी 10 करोड़ देश में सबसे पीछे स्वास्थ्य के मामले में, वहां का गरीब मारा मारा फिरता है। यहां महोदया जितने माननीय सदस्य हैं सबके यहां
दर्जनों बीमार आदमी पड़े रहते हैं एम्स में इलाज के लिए, क्यों नहीं वहाँ एक और एम्स बना दिया जाए? इसलिए मुजफ्फरपुर श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल है, 200 एकड़ जमीन है, 600 बेड है, और वहाँ पर 2500 गरीब मरीज आउटडोर में रोज आते रहते हैं। इसलिए वहाँ के माननीय सदस्यों ने, सभी पार्टी के लोकसभा के माननीय सभी सदस्यों ने, वहाँ के विधायकों ने मुख्यमंत्री से मांग की भारत सरकार में भेजा जाए। मुख्यमंत्री ने कृपा की है, प्रधानमंत्री जी को उन्होंने पत्र लिखा है, राज्य सरकार का प्रस्ताव आ गया महोदया, इसीलिए वहाँ 4 करोड़ की आबादी लाभान्वित होंगे। बगल में नेपाल भी 1.5 करोड़ पड़ोसी देश का बीमार आवेगा तो वहाँ इलाज होगा महोदया। इसलिए श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरपुर अस्पताल को एम्स का दर्जा जैसे देश के अन्य राज्यों में 14 अस्पतालों को उत्क्रमित कर एम्स का दर्जा दिया गया है, उसी तरह से बिहार में भी मुजफ्फरपुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल को एम्स का दर्जा देने की मांग है महोदया। सभी माननीय सदस्यों ने, सभी पार्टी के लोगों ने लिखा है, और वहाँ आंदोलन चल रहा है, धरना, सत्याग्रह, लोक सत्याग्रह, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जन्म शताब्दी के अवसर पर साल भर तक लड़ाई चलेगी, जब तक मांगे पूरी नहीं होगी तब तक लड़ाई चलेगी। वहां मेडिकल कॉलेज के सामने 13 अक्टूबर को धरना हुआ था, अब पद यात्रा परिक्रमा होने जा रही है। इसलिए सरकार से और प्रधानमंत्री जी से, स्वास्थ्य मंत्री से मैं मांग करता हूं कि जन भावना को देखते हुए, बिहार का पिछड़ापन को देखते हुए, वहाँ की गरीब जनता, गरीब लोगों के मरीजों के इलाज के लिए जो वहीं पर रह जाए, आने जाने में गरीब मर जाता, यहाँ दिल्ली पहुँचते पहुँचते खर्चा से अलग तबाह हो जाता, हर एमपी के यहाँ डेरा डाले हुए है गरीब। इसलिए एम्स बना देने से यहाँ के एम्स में आधा से अधिक लोग, बिहारी के लोग हैं, दर दर के ठोकर 3 महीना बाद आइए, 6 महीना बाद आइए, हम लोगों के हाथ का लोग तनी जल्दी इलाज कराने के लिए फोन करिए, लिखा पढ़ी करिए, बड़े परेशान है गरीब आदमी। संजोग से हिंदुस्तान में गरीब को ज्यादा बीमारी परेशान करती, और बड़े लोग तो विभिन्न नर्सिंग होम में इलाज करा लेते, लेकिन गरीब के लिए सरकारी अस्पताल ही सहारा है, दूसरा कोई सहारा नहीं। नहीं तो भगवान भरोसे आदमी जिएगा, नहीं तो गरीब को ट्यूमर की बीमारी, कैंसर की बीमारी, किडनी की बीमारी, हार्ट की बीमारी, और बल्ब खराबी की बीमारी, रंग बिरंग की बीमारियां गरीबों को होती, परेशान होते। इसलिए माँ प्रधानमंत्री जी सरकार कृपा करे और वहाँ मुजफ्फरपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल को एम्स का दर्जा मिले तुरंत। 14 को हो गया महोदया, 14 अस्पताल विभिन्न राज्यों में, विकसित राज्यों में उत्क्रमित हुआ है, अब बिहार जैसा पिछड़ा राज्य उसके ऊपर नहीं ध्यान जा रहा है। मुख्यमंत्री ने लिखने में विलंब किया, फिर भी उन्होंने लिखा है, माननीय सभी सदस्य उस पर हस्ताक्षर किए हुए हैं, मांग की है, और यहाँ भी लोगों ने मांग की है प्रधानमंत्री जी से, माननीय सदस्यों ने। इसलिए हमारी दरखास्त है कि मुजफ्फरपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल को एम्स का दर्जा दिया जाए। 10 करोड़ आबादी, छोटे छोटे राज्यों को 85 लाख, उनको एगो एम्स, 2 करोड़ उनको एगो एम्स, वहाँ 10 करोड़ एगो नया एम्स हुआ, उसका भी काता पता नहीं है कब होगा, 5 बरस 10 बरस लगेगा, लेकिन 200 एकड़ जमीन, 600 बेड, 2500 आउटडोर में बीमार आते रहते हैं, वहाँ हालत ठीक नहीं है अस्पताल की, 101 डॉक्टर का पोस्ट, अभी 49 डॉक्टर नर्स भी तिहाई बीमार बेड पर रहते, सब फर्श पर उनका इलाज होता, पानी चढ़ता, गरीबों की बड़ी भारी पीड़ा है, एक तो गरीबी की पीड़ा, दूसरी बीमारी की पीड़ा, मरीज की पीड़ा, इलाज नहीं तो और पीड़ा बढ़ जा रही है महोदया। इसलिए आपने बड़ी कृपा की, सरकार उस पर ध्यान दे, उस पर रिस्पॉन्ड करे और जवाब दे और घोषणा करे कि तुरंत मुजफ्फरपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल को एम्स का दर्जा दिया जाएगा, उत्क्रमित करके एम्स का दर्जा दिया जाएगा। धन्यवाद डॉक्टर विनय कुमार।
सभापति महोदय, लगभग 4 घंटे से बहस चल रही है अवैध खनन पर, इलीगल माइनिंग पर, और सदन के तमाम सदस्यों से और नेताओं से मैं इसी निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि देश में सरकार का कोई मतलब नहीं है, चाहे राज्य सरकार हो चाहे भारत सरकार हो। आई खान खनिज वाला 57 वाला कानून और एक्सपोर्ट वाला कानून, पर्यावरण वाला कानून सारा झूठा है, यही हमको निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। खान माफिया, कोयला माफिया, पत्थर माफिया, बालू माफिया, यही माफिया का बोलबाला है। मैं उदाहरण देता हूं, 4 वर्षों में 1.5 लाख अवैध खनन के मामले पकड़े गए हैं, 1.5 लाख अवैध खनन के। और खास करके हम सवाल उठाना चाहते हैं कि अभी तक जो भी कानून है, जो भी व्यवस्था है, आंख में जनता का आंख की आंखों में धूल झोंकना है। क्या है, कहां सरकार है? सरकार ये कहा है, भारत सरकार कहती, राज्य सरकार को खान खनिज कानून 57 में हमने अधिकार दे दिया, उनको रॉयल्टी मिलती है, वो पकड़े। अब वो क्या पकड़ेंगे? माफिया लोग सरकार को हिला देती है। कर्नाटक में कि जो सरकारें गिरने लगी, उसमें क्या आपका कानून है सक्षम? नया कानून आप कब लाएंगे? सवाल नंबर 1। नया अभी का कानून सभी व्यर्थ है, निरर्थक है। क्यों? कि अभी तक जो मेजर अवैध खनन है, मेजर, वो लगभग 2496 है, मतलब 2500 मेजर मिनरल खान है, 28,057 माइनर मिनरल खान है। कितना वैध खान कितना है, अवैध खान कितना है? 4 गुना अवैध खान। कहां कानून आपका है? कहां 57 कानून? कहां राज्य सरकार? अभी खनिज तक खाने खन लेता है अवैध ढंग से चोरा करके, फिर बाहर कैसे चला जाता है, एक्सपोर्ट कैसे हो जाता है? कोई जवाब दे, कोई जवाब दे, एक्सपोर्ट कैसे होता है? 2 साल में 1 करोड़ टन खनिज गया है केवल कर्नाटक से। आज ये भारत खान ब्यूरो बनाए हैं, 26 खान का निरीक्षण हुआ और उसमें 80 करोड़ टन खनिज पकड़े गए अवैध। उसके बाद 6 लाख टन कैसे एक्सपोर्ट हो गया? कहां तंत्र है, कहां प्रशासन है, कहां कानून है, कहां अफसर है? सारा धोखा, सारा झूठा, सारा अविश्वास का वातावरण है। क्यों नहीं नक्सल आएगा? जब कहते कानून का राज, लेकिन यह धोखा देने वाला कानून सब है, तो कैसे कोई भरोसा करेगा जी कानून का राज? तो इसीलिए महोदय, देश के साथ अन्याय हो रहा है, धोखा हो रहा है, गरीबों के साथ, आदिवासियों के साथ। इसीलिए 1 नंबर सवाल का जवाब दीजिए, कानून कहां रोक कर रखे हुए हैं? GOM और कहां क्या विचार हो रहा है? नहीं तो वहां भी माफिया का हमको बतावे। ऐलान हुआ है मानसून सत्र में हम लावेंगे, क्यों नहीं लाए हैं अभी तक? कब लाइएगा? नंबर 1 सवाल। नंबर 2 सवाल, 80 करोड़ टन जो अवैध पकड़ा गया आपका भारत खान ब्यूरो पकड़ा, और उसमें 6 लाख टन एक्सपोर्ट हो गया, कौन कार्रवाई आपने की? क्या CBI को क्यों नहीं दिया? CBI देने में आपको क्या कठिनाई है, क्या ममता है उन लोगों से? क्या कर्नाटक सरकार गिरने लगती, आपकी सरकार भी माफिया से गिरने वाली है? इसीलिए इसका सवाल का हम जवाब चाहते हैं। नंबर 2। यस प्लीज। जी महोदय, संतोष हेगड़े वहां हैं, इस्तीफा दे दिया, माफिया को नहीं पकड़ सके। संतोष हेगड़े लोकायुक्त हैं, इस्तीफा दे दिया, अडवाणी जी उनको आग्रह करके मना कर रखे हैं, फिर वो इस्तीफा वापस किया। ये सब जनता की नजर में नहीं खड़ा हो जाता? यहां भी खड़ा हो जाता लोग माफिया के पक्ष में, ऐसा अंधेर। ये सदन है, सदन है। महोदय नंबर 3, एक CBI से जांच। अब महोदय, खान खनिज नीति, खान नीति में आप कब सुधार करिएगा? इस देश में 12 अरब टन खान का इस भंडार एकदम है, खत्म। आपका समय से पहले हम खत्म किया। 12 अरब टन भंडार है इस देश में, के धरती के अंदर में छिपा हुआ है 12 अरब टन। एक आदमी पर कितना पड़ता है? एक आदमी पर ऊपर रहा है महोदय, एक आदमी पर ऊपर रहा है करीब 21 टन। अमेरिका में है 1 आदमी पर 50 टन, वो एक्सपोर्ट रोक दिया अमेरिका। 1 आदमी पर 50 टन एक्सपोर्ट रोक दिया। हमारे यहां है 21 टन,
हम धड़ल्ले से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, गजरा के भाव में, माटी के से भी सस्ता भाव में बाहर भेज रहे हैं। एक खान खरीज नीति कब बनेगी और उसमें कब निर्यात पर आप रोक लगाएंगे? अमेरिका से ज्यादा खनिज है आपको, अमेरिका से ज्यादा संपन्न है, वो रोक दिया, आप धरल्ले से फेंक रहे हैं। हम लीगलो माइनिंग कहते हैं, यहाँ क्या लीगल, क्या इलीगल माइनिंग में बाहर जा रहा है, बाहर जा रहा। और महोदय अंतिम हमारा है कि जो खान विधेयक का ये है, बालू और पत्थर, बालू पत्थर माफिया, कोई राज्य नहीं है जहां पर बालू पत्थर माफिया का कब्जा नहीं है। सोन नदी का बालू, इधर कौन कावेरी के बालू, उधर कहीं पत्थर। यस यस प्लीज, अवैध कहां पर्यावरण कानून, प्लीज टेक योर सीट। लिखा जयराम रमेश ने, लिखा कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर को, पर्यावरण कानून और क्यों नहीं रोक लगता? नहीं नहीं, सारा कानून झूठ झूठा, सारा तंत्र फरेब, देश के आंखी आंख में धूल झोंक रहा है। हमारी संपत्ति धरती के अंदर जो रतन छिपा हुआ है, गजरे के भाव में वैध अवैध खनन करके बाहर भेजा जा रहा है। बादशाह किया आसन को मैं महोदय आभार मानता हूँ। Yes, please. इस विषय को मंजूर करके माननीय सदस्यों ने जो सच्चाई का उद्घाटन किया है, इसका भंडाफोड़ होना चाहिए, ठोस कानून आवे और ठोस का रवाज बताया जाए। नहीं तो जनता माफ नहीं करेगी, इतिहास आने वाली पीढ़ी हमको कलंकित करेगी। इसी सावधानी के साथ श्री लाल सिंह जी। थैंक यू रघुवंश प्रसाद जी, 5 मिनट। जी सभापति महोदय, जम्मू कश्मीर में एक विश्वविद्यालय सेंट्रल यूनिवर्सिटी दिया गया था, दूसरा भी यूनिवर्सिटी वहाँ हो, कोई इतराज नहीं करेगा, समर्थन करेगा। देश में 39 विश्वविद्यालय सेंट्रल विश्वविद्यालय हुआ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ये लगता है 40वां होगा, कोई एतराज नहीं करेगा। नॉलेज कमीशन ऑफ डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता। जहां 2 विश्वविद्यालय जम्मू कश्मीर में सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, समर्थन मैं करता हूं, लेकिन यह जो विधेयक है, मेरा घोर आपत्ति है, घोर मैं प्रतिवाद करता हूं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, सदन चकित होगा। 2 विश्वविद्यालय का समर्थन, लेकिन इस विधेयक का प्रतिवाद। महोदय, देश में बदमाशों ने जम्मू कश्मीर 2 खंड नहीं करा सका, लेकिन इस विश्वविद्यालय के नाम पर जो नाम रखा गया है विश्वविद्यालय का, या बदलने की बात हो रही है, ओरिजिनल जो अधिकारिता लिखा गया है उस पर मेरी घोर आपत्ति है। और मैं लॉजिक दे रहा हूं, तर्क दे रहा हूं। वकील डॉक्टर लोहिया को महात्मा गांधी ने कहा था, डॉक्टर लोहिया विद्वान, लेकिन विद्वान तो वकील भी होते हैं। डॉक्टर लोहिया बहादुर, लेकिन बहादुर तो शेर भी होते हैं। लेकिन वकील लोग के मंत्री बड़े काबिल, नामी वकील मशहूर है, लेकिन वकील लोगों की कमी होती कि पुराना बात के लेकर के कोर्ट में उदाहरण देकर के फैसला लेते, भविष्य की दृष्टि का सोच नहीं। कितना भारी जुल्म और अन्याय होगा देश के साथ और जम्मू कश्मीर राज्य के साथ। कोई जम्मू कश्मीर 2 रीजन नहीं कर सका, ये 2 रीजन के यूनिवर्सिटी बना रहे। नंबर 1, ये जो पुराना इनका विधेयक था, जो कानून लागू है जम्मू कश्मीर राज्य में, जम्मू कश्मीर केंद्रीय विश्वविद्यालय, जम्मू कश्मीर केंद्रीय विश्वविद्यालय, एक तो है ही, उसका मैं समर्थन करता हूं अभी भी, खबरदार उसको आपने बदल किया। दूसरा, आप जम्मू में खोलना चाहते हैं तो जम्मू में खोल दीजिए, उसका श्रीनगर नाम रहे, इसका जम्मू रहे। लेकिन जम्मू कश्मीर के ही कहते हैं कश्मीर खंड, अब फिर कहते हैं जम्मू खंड, इतना भारी देश के साथ अन्याय किसी ने नहीं किया। और मैं 2 यूनिवर्सिटी हो, 3 यूनिवर्सिटी हो, 4 हो, हमको कोई एतराज नहीं, समर्थन है। जम्मू कश्मीर प्रॉब्लम वाला राज्य है, कोई विश्वविद्यालय होगा कैसे मैं इतराज कर सकता। बाकी नाम जो अपने रखा है चूक, एक साधारण चूक से देश के साथ कितना भारी समस्या आगे पैदा होगी, मैं देख रहा हूं महोदय।
और मैं सरजमीन पर भी जा करके अमरनाथ के मसले पर मैं गया था, देखा कितना भारी फीलिंग है। उस फीलिंग की इस विधेयक से पुष्टि होती है, इसीलिए इस विधेयक का मैं घोर प्रतिवाद करता हूँ और माननीय मंत्री से दरखास्त करता हूँ कि अभी भी नियम 12 के तहत प्रधानमंत्री से लेकर के इसका सुधार करा दिया जाए। पहला, जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर केंद्रीय विश्वविद्यालय, और फिर दूसरा जम्मू विश्वविद्यालय, और दूसरा विश्वविद्यालय आप खोल दीजिए, स्थान श्रीनगर रहे जम्मू दोनों जगह रहे कोई हर्ज नहीं, लेकिन नाम से और जो काम का है खंड बना रहे, जम्मू कश्मीर राज्य का कश्मीर खंड, जम्मू कश्मीर राज्य का जम्मू खंड, ये कौन होते हैं आप खंड बनाने वाले, इस विधेयक से आधार देने वाले सेपरेटिस्ट फोर्सेस को, इसीलिए मैं घोर प्रतिवाद करता हूं महोदय। और ये खोल रहे हैं विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी, और काम उसका दे रहे हैं खंड क्षेत्रीय अधिकारिता, जो विश्वविद्यालय है उसका क्षेत्रीय अधिकारिता गांव व शहर होगा, राज्य होगा, वो तो विश्वविद्यालय है, दुनिया भर का लोग आकर पढ़ते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय का क्या है क्षेत्र अधिकारिता, जवाहरलाल विश्वविद्यालय का क्या है क्षेत्र अधिकारिता, खंड के लोग केवल पढ़ेंगे। जब विश्वविद्यालय है वह भी सेंट्रल विश्वविद्यालय है, उसका रेखी दो खंडों पर मेरा घोर इतराज है, जो नाम वाला है कश्मीर केंद्रीय विश्वविद्यालय, जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय, और जम्मू कश्मीर राज्य का कश्मीर खंड, और जम्मू कश्मीर राज्य का जम्मू खंड, इन दोनों पर मेरा घोर इतराज है। इसलिए जो क्रमांक 3 है इसका सुधार करिए, वापस करिए और इसको ठीक करिए, और नहीं तो एक साधारण चूक से देश के साथ कितना भारी अन्याय होगा महोदय, समझा जा सकता है, भविष्य को समझना चाहिए। 1 नंबर 2, माननीय मंत्री विद्वान है काव्य, विभिन्न लॉजिक देते हैं महोदय, लॉजिक देते हैं, एक पढ़ाई से परीक्षा को खत्म कर दिया जाए, ये कौन पढ़ाई होगी जो परीक्षा न होगी, तो पढ़ाई का क्या मतलब है, क्या मतलब है? तो ये हंटर कमीशन, हाटले कमीशन, डॉक्टर राधाकृष्णन कमीशन, कोठारी कमीशन, मुदालियर कमीशन, आचार्य राममूर्ति कमीशन, सब कमीशन के उल्लेख करते हैं, इनसे कम का भी लोग मंत्री और सरकार में थे, लेकिन उस कमीशन पर कार्यान्वयन नहीं हुआ, कहते कमीशन ने कहा 50 साल से, लेकिन कोई नहीं कर सका, तो बड़ा भारी गांव में पूछता है परीक्षा नहीं होगी, पढ़ाई कैसे होगी, प्रधानमंत्री को लाचारी कहना पड़ा, इसमें डिसीजन नहीं अंत में हुआ। ऐसी कौन पढ़ाई है जिसमें परीक्षा नहीं होगी तो क्या पढ़ाई होगी, कमीशन ने कह दिया 50 वर्ष से, क्यों नहीं लागू हुआ, ये नहीं सोचना चाहिए विद्वान मंत्री को, इसीलिए इस सवाल महोदय सोचने का है। 2 नंबर 3 में महोदय, बिहार में भी विश्वविद्यालय खोलने के लिए राज्य सरकार ने कहा है, चंपारण में जमीन दे रही, वहां महात्मा गांधी ने 1917 में शुरुआत की थी आंदोलन, और वहीं पर मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी हुए थे, इसलिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी जल्दी खुले, लेकिन उसका नाम बापू विश्वविद्यालय रखा जाए महात्मा गांधी जी का, इसका सब लोग समर्थन करेंगे, वहीं से मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी हुए थे महोदय। तो इसलिए एक नंबर तीसरा सवाल है, और चौथा सवाल है कि जो वहाँ विश्वविद्यालय की पढ़ाई बढ़िया हो, वर्ल्ड क्लास हो, अच्छी पढ़ाई हो, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। तो कभी कहे कि हम UGC के तोड़ रहे हैं, तो क्या दो बना रहे हैं, क्या दो बना रहे हैं, कहाँ पढ़े, तो इसीलिए सभी मामलों को देख करके नीचे से ऊपर तक पढ़ाई की क्वालिटी सुधरे, अच्छी पढ़ाई हो, वर्ल्ड क्लास पढ़ाई हो, यही नॉलेज कमीशन का सोच है, लेकिन उस पढ़ाई के तरफ नहीं, और हरेक राज्य में एक विश्वविद्यालय करके 39-40 हुआ ही है, जम्मू कश्मीर में कहते हैं रीजनल एस्पिरेशंस की संतुष्टि के लिए हम तो कर रहे हैं, तायौर देश में प्रबोध पंडा जी ने सवाल हुआ उठाया है, और राज्य में नहीं उठेगा ये सवाल, इसलिए अच्छा है और विश्वविद्यालय खुले, और वहाँ पर जहाँ पर मांग है वहाँ पर सरकार विचार करे, इस मामले में उदार है सरकार, विश्वविद्यालय खोले दे, कम से कम उस राज्य की पढ़ाई हो, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ऐसी पढ़ाई है यहाँ भी होना चाहिए, अन्य भी विश्वविद्यालय का सुधार होगा, और शिक्षा को तो 1 पर हम स्थान नहीं देंगे, तो हिंदुस्तान में जितना मैन पावर और नौजवान और लोग हैं महोदय, देश की सर्वोच्च ताकतवर शक्ति हिंदुस्तान कैसे बन सकता है, इसलिए शिक्षा पर जोर हो,
और वर्ल्ड क्लास का से हमारा बेहतर शिक्षा प्रणाली हो, इस सभी के समर्थन में हम हैं। लेकिन ये सब साधारण चूक से देश के साथ न्याय नहीं होना चाहिए। इन शब्दों के साथ में महोदय, दो विश्वविद्यालय का समर्थन है, तहां पर इन दोनों क्लोज पर मेरा सख्त एतराज है, प्रतिवाद है। इसलिए विचार करके इसको सुधार करना चाहिए। इन शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी। For the farmers. Thank you, sir. Thank you. Shri Raghuvansh Prasad Singh. महोदय, दुनिया भर में हल्ला है महोदय कि चीनी की कीमत में आग लगी हुई है हिंदुस्तान के अंदर। 40 रुपए किलो, 50 रुपए किलो। साधारण इसमें तो कानून कायदा ज्यादा होशियार लोग पर मैं छोड़ देता हूं महोदय, कि होशियार लोग ज्यादा कानून कायदा ये सब देखेंगे। मोटा मोटी जो गांव में का हिसाब है सो मैं बताता हूं। एगो स्टैचुटरी मिनिमम प्राइस होता है, परंपरा से भारत सरकार तय करती थी। केंद्र राज्य बैठ करके उसमें किसान भी रहते थे, मिल वाले रहते थे, स्टेट एडवाइस प्राइस अथवा कहिए निगोशिएटिंग प्राइस तय होता था। ऐसा कानून बना कहा नहीं, स्टेट एडवाइस प्राइस नहीं तय कर सकते, जो स्टैचुटरी प्राइस है वही है, ज्यादा देना है तो राज्य अपना तरफ से दे, राज्य सरकार। राज्य सरकार अलग बाप का बाप करने लगी, किसान का गला कटने लगा, हल्ला उठा, तो ये लोग हटा लिए हैं। लेकिन मोटा मोटी मैं बताना चाहता हूं महोदय, ज्यादा डिटेल में नहीं। रफी अहमद किदवई साहब थे, उन्होंने भी एगो फार्मूला दिया था, गन्ना का क्या दाम होगा तो चीनी का क्या दाम होगा। मोटा मोटी मुरकट्टी हिसाब समझा जाए, 130 रुपए इन्होंने तय किया स्टैचुटरी मिनिमम प्राइस एक कुंटल गन्ना। कम से कम 8.5 किलो चीनी जरूर होती है, कहीं 9 किलो भी, 10 किलो भी, 11 किलो भी, 12 किलो भी, 13 किलो भी एक रिकवरी होती है। हम 8.5 पर जोड़ते हैं तो 8.5 किलो 130 रुपया के गन्ना में 8.5 किलो चीनी, 8.5 किलो चीनी किस उपभोक्ता के कितना में मिल रहा है, 40 गुना 8.5 320 और 340 माने एक कुंटल गन्ना के दाम 130 और उसकी चीनी बनी जो उपभोक्ता ले रहे हैं उसका दाम है 340। जरूर गन बनाने में, गन्ना से चीनी पेराई करने में, उसको बनाने में जरूर खर्च लगता है, तो कितना लगता है 120 के गन्ना के उनको दाम मिल रहा है 340, तीन गुना से भी अधिक। ये अंधेर नहीं है तो क्या है? मोटा मोटी हिसाब हम ज्यादा देहाती मुरकट्टी आम आदमी जो समझ सकता है और कर सकता है। अभी क्या है, या तो 16 रुपए मिले तो 130 रुपए गन्ना हो तो 16 रुपए 17 रुपए 18 रुपए भाव होगा चीनी के। तो तीन पक्ष है महोदय, एक 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 है उपभोक्ता जो करोड़ों देश में उपभोक्ता हैं, असंगठित हैं, किसान हैं, वो भी लाख से करोड़ की संख्या में होंगे, वो भी असंगठित हैं, आयोग मिल है ये संगठित है, तो एक संगठित है, दो असंगठित है। सरकार को देखना है तीनों पक्षों के, मिल को भी रहना जरूरी है, उनको भी खत्म नहीं होना चाहिए, लेकिन इन दोनों असंगठित क्षेत्रों के लिए सरकार को देखना है। सरकार से मैं बोली क्या सुनता हूं, माननीय मंत्री कहेंगे, माननीय मंत्री कहेंगे 3 साल तक गन्ना खूब उपजेगा, चीनी खूब होगी, और 2 साल फिर वो गन्ना घट जाता है या चीनी कम जाती, ये साइकिल है। कई साइकिल आप जानते हैं, तो सरकार ने क्या इंजाम किया, हम सवाल उठाते हैं। न तो डिमांड सप्लाई पर तय होना है तो सरकार की क्या जरूरत है? सरकार को देखना है कि असंगठित समूह के लोग शोषित ना हो, किसान सबसे उसमें है जो मेहनत करता और उनको खाद बीज का अभाव हो जाता, ऋण का अभाव हो जाता, खाद का अभाव हो जाता, फिर पूर्जी नहीं मिलेगी, फिर कभी गन्ना नहीं बिकेगा, जलाना पड़ता है। माने किसान असंगठित है, बाकी सबसे ज्यादा मेहनत और जोखिम उठाने का काम करता है। सरकार को उनका हक, उनका संरक्षण में खड़ा होना चाहिए। या फिर आम उपभोक्ता हैं, बेचारे गए
दूसरा ग्राम चीनी 10 रुपया में, कितना दाम हुआ 50 रुपये मिलता गरीब के गांव में, 1 क्विंटल 2 क्विंटल गरीब आदमी थोड़े खोलता। ये भी असूली जाती थी चीनी से, ली भी असूली जाती, कभी 60% 65% घट कर 40% 45%, अब तो 10-15% ले भी असूली जाती है कि नहीं, वो भी नहीं। तो उससे पीडीएस मिलता था 100 के, तो अब हो गया कि पीडीएस मिलेगा, चीनी मिलेगी आधा किलो खाड़ी गरीबन के, गरीबन बेचारा चीनी काहे के लिए खाएगा, बहुत कम नगण्य गरीब लोग लेता, तो उनको मिलेगी। इसलिए चीनी की कीमत में आग लगी हुई है गांव गांव में और देश में सब लोग, इसका देखने का काम है सरकार का। और सरकार जैसे बयान होता महंगी अभी बढ़िया जाएगी, महंगी नहीं रुकेगी, भाई काहे के लिए, कौन बात का इलाज है सरकार, जब जब निर्भर करना है, प्रकृति प्रदत्त नहीं है, ये कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये मानव निर्मित जो सशक्त लोग हैं उनका निर्मित आपदा है, किसान गांव के किसान पर और उपभोक्ता दोनों पर। मैं दोनों के लिए कहता हूं कि असंगठित क्षेत्र है किसान, असंगठित क्षेत्र में है उपभोक्ता, दोनों का संरक्षण होना चाहिए। दोनों का मैं देख रहा हूं कि 130 रुपये तय हो गया, कहीं कहीं अब तक वहां नेपाल में जाने लगा था 200 रुपये, अपने मिल वाला खुशामत करा है 200 रुपये लीजिए 200 रुपये लीजिए, तब फिर सरकार पहुंचती है, रोकिए रोकिए स्मगलिंग हो रही है। ये भाई कहां पर है, आप आपने कहा है कि एसेंशियल कमोडिटी में गन्ना और चीनी दोनों है, तो गन्ना के मूल्य आप निर्धारण करिएगा कम, जो किसान के कम मिले, और चीनी के फ्री कर दिए, जो डिमांड सप्लाई है जितना लूट सके से लूट, वादा कारोबार अलग, फ्यूचर ट्रेडिंग की कौन कहता वो अलग, ऐसा कहीं अंधेर है। सरकार का यह व्यवहार नहीं ठीक है, जो असंगठित किसान और असंगठित जो उपभोक्ता है दोनों के छूट दे दी गई, लूट की छूट दे दी गई, यह उचित नहीं है और यह सहन भी नहीं किया जा सकता। चूंकि विपक्षी लोग अभी कुछ इधर उधर में लगे हुए हैं और गांव तक बात अभी बहुत नहीं पहुंच पा रही है, ये पहुंचेगी कुछ दिनों में, अब विपक्ष मानेगा नहीं लोग, और लड़ना पड़ेगा कि मांगी रोको बाधो दाम, नहीं तो होगा चक्का जाम, और चीनी का और चीजों का आवश्यक मूल्य का, नहीं तो सरकार का है बात है डिमांड सप्लाई पर चलेगा, तो डिमांड तो जनता करेगी और सप्लाई किसके हाथ में है, बड़े बड़े पूंजीपति सब सामान लेकर भर दिया, 2 रुपये किलो आलू लेवे ना करैया क्यों, और जब सब चला गया कोल्ड स्टोर में तो अखनी 20 रुपये 30 रुपये 25 रुपये मारे जा रहे हैं किसान। किसान को तकलीफ है, फिर आम उपभोक्ता को तकलीफ है जो असंगठित है, चीनी वाला तो संगठित है, सरकार से फैसला करा लेगा अपना पक्ष में, कोर्ट में भी, कोर्ट में जो सुप्रीम कोर्ट का नाम मैं सुन रहा हूं बहुत, इतना भारी जिक्र है, 3 पर नाम सुप्रीम कोर्ट का जिक्र है, कह के था उसमें पार्टी सुप्रीम कोर्ट में क्यों बहस किया किसान के पक्ष से, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर उपभोक्ता के पक्ष से कौन बहस किया, सरकार, लेकिन सरकार केस हार जाती है जानते हैं कि नहीं, कानून कोई पक्ष करने वाला नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट के नाम सुनते सुनते हम अजीज हो गए, उसमें है सुप्रीम कोर्ट का फैसला के लिए हम कानून बना रहे हैं, तो कानून बना रहे हैं किसाने के खिलाफ, कानून बना रहे हैं उपभोक्ता के खिलाफ। इसीलिए मोटा मोटी ज्यादा आप समय हमको देंगे नहीं, नहीं तो सब विश्लेषण का हम इतिहास भूगोल सब स्पष्ट इसमें करने का निश्चय हमारा है, लेकिन संक्षेप में है हाँ, मैथमेटिक्स तो बता दिया मुर्कट्टी, 130 रुपये गन्ना और 40 रुपये किलो 1 क्विंटल में 8.5 किलो चीनी बनती है, 8.5 किलो के दाम जोड़िए 40 रुपये से 340 रुपये, अत्याछुआ अलग, अब बगास अलग, उसका जो सिट्ठी होती है उसका अलग, अब बगास अलग, उसका रस उसका छुआ निकलता है अलग, उसका स्पिरिट बनता, रंग बिरंग के चीजें बनती, तो सब मोटा मोटी देहाती आदमी मुड़कट्टी हिसाब उंगली पर जोड़ते हैं तो बुझाता है जो इसमें बड़ा भारी गड़बड़ है, और सरकार को देखना चाहिए कि दो ऑर्गेनाइज सेक्टर का शोषण न हो किसानों का, अभी आम उपभोक्ता के,
अब मिल वाला तो संगठित है, नहीं तो कागज उगज बांट देगा, हम ही मर रहे चलिए उसको खूब मदद करिए। नहीं तो दुनिया में चीनी सस्ती, हिंदुस्तान में चीनी महंगी क्यों? आ कहते हैं WTO हो गया, सीमाना टूट गया, गेहूं वाला में होता तो नहीं, बाहर में महंग हो गया, यहाँ मंगावे कैसे? तो 16 रुपए मंगाए तो मरिए किसान, आपसे लेंगे 10 रुपए और मंगाएंगे हम बाहर से 16 रुपए। क्या भाई, दुनिया में गेहूं महंग हो गया, अभी क्या है यहाँ चीनी महंग खरीदिए, किसान आपको भी हम पैसा नहीं देंगे, अब बाहर से भी चीनी नहीं आएगी, बाहर में तो सस्ती है चीनी। अब यह सब पेच सुन करके महोदय बड़ा भारी खराब है, इसीलिए आम जन का और किसान का हित नहीं होगा तो महाभारत होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, ये मैं साधारण आदमी बोल रहा हूं, लेकिन गांव में जो जनता और किसान की बोली है उसे हम दबा नहीं सकते, ये हमारा कर्तव्य है और धर्म है कि जो गांव की बोली है यहाँ पार्लियामेंट सदन ऊंची पंचायत में बता दे, और नहीं तो फिर याचना नहीं, अब जंग होगा, जीवन मरण या जय होगा, इन्हीं शब्दों के साथ। श्री प्रसाद डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह। सभापति महोदय, नरेगा बाद में ना कि शुरू में? नरेगा बोलेंगे बाद में, 2 मिनट पहले मूल भाषण कर लें। सभापति महोदय, जो गांव में मैं देखता हूं जो महंगाई की मार है और किसानों की तकलीफ है, उससे इच्छा होती है कि सरकार पर बड़ा कड़ा हमला करूं, अटैक करूं। लेकिन जब देखता हूं कि वही हमारे पुराने साथी जो 5 वर्षों तक एक साथ हम लोग रहे हैं, काम किए हैं जनता का, सरकार का, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, प्रणव बाबू, नमोनाथ मीना जी, नारायण स्वामी जी, सब लोग एक साथ हम लोगों ने काम किया, आज श्रीमती सोनिया गांधी जी इतना समर्थन और अपनापन रखती थी, तो मोह हो जाता है महोदय, 15वीं लोकसभा में मोह हुआ कि जनता की बात बोला जाए कि इतने हमारे पुराने साथी थे, इन पर कड़ा अटैक किया जाए, तो फिर कृष्ण तो है नहीं जो मोह छोड़ावे, तो डॉक्टर लोहिया को हमने याद किया, और डॉक्टर लोहिया की जन्म शताब्दी समारोह, 100वीं वर्षगांठ होने जा रहे हैं उनकी जयंती का, और हमने मांग की थी और 11 माननीय सांसदों ने लिखा था प्रधानमंत्री जी को कि डॉक्टर लोहिया जन्म शताब्दी समारोह जानदार शानदार ढंग से मनाई जाए, अभी तक कोई जवाब नहीं मिला महोदय। और 23 मार्च 2010 को 1910 में उनका जन्म हुआ था, उन्होंने ही कहा था कि जहां लहो रहो करोड़ों की बात करो, गरीबों की बात बोलो, लड़ो और उनके लिए करो। उस स्मरण जब करता हूं तो मेरा भी मोह खत्म होता है और मैं चाहता हूं कि जनता और गरीब आदमी का सवाल यहां पर उठाऊं। तो ये महंगाई की मार से लोग तबाह हैं, सरकार की कार्रवाई से हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। अब सरकार फेंक देती, केंद्र सरकार, राज्य सरकार ब्लैक मार्केटिंग और जमाखोरी मुनाफाखोरी को नहीं रोक रही है, और राज्य सरकार कहती है केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, तो राज्य सरकार और भारत सरकार के बीच में दोनों के कह रहे हैं उनकी ढिलाई, वो कहते हैं उनकी ढिलाई, और दोनों की ढिलाई में हो रही है जनता की पिसाई, गरीब आदमी की पिसाई, इसलिए महंगाई को रोका जाए। और फिर आवाज और आग क्यों नहीं लगती, देश में हल्ला क्यों नहीं उठता? तो जैसे ही केंद्र से होता है कि मुनाफाखोरी पर कार्रवाई की जाए, तो मुनाफाखोरी के समर्थक दल सुटुक का देह मार देता है, तो इसी से हल्ला नहीं उठता, लेकिन हल्ला उठाना पड़ेगा महोदय। तो ज्यादा नहीं, महंगाई हमारा मूल सवाल है, जो महंगाई रोकने की कार्रवाई अभी तक डिमांड सप्लाई कहते हैं, इन्फ्लेशन घट रहा है और महंगाई बढ़ रही है, ये कौन अर्थशास्त्र है और कौन इसमें क्या इंजाम है? और सरकार कहे के लिए है जब डिमांड सप्लाई और मार्केट फोर्स इतना ताकतवर हो जाएगा तो सरकार की क्या जरूरत है, छोड़ दीजिए फ्री। इसलिए गरीबों का संरक्षण और महंगाई को रोकना, दाम बांधना वाजिब है, जरूरत है, डॉक्टर लोहिया कहा करते थे।
तो इसीलिए ये जिसको मैं महोदय ज्यादा डिटेल में बहस विद्वानों पर मैं छोड़ देता हूँ। आई फिस्कल डेफिसिट आई ये क्या क्या सुनते सुनते मैं परेशान हूँ। फिस्कल डेफिसिट एक गरीब पर जब खर्च होने लगता है तब फिस्कल डेफिसिट जसवंत बाबू पुराना 5 वर्ष तक बजट पेश किए थे, ग्रामीण विकास पर 5 वर्षों में कुल खर्च हुआ था 72,000 करोड़ और केवल 8-9 में किया खर्च 72,000 करोड़ ग्रामीण विकास पर। आप 5 वर्ष में यहां 1 वर्ष में तो फिस्कल डेफिसिट नहीं बढ़ेगा। मल्टीनेशनल के लिए या उद्योगपति के लिए ही बजट है, गांव के या गरीब के लिए नहीं है। नहीं नहीं महोदय, देश में यहां एंटी रूरल एंटी पुअर लॉबी है। जब गांव में और गरीब पर खर्चा करने की बात होती है तो वह गड़बड़ी है। रोजगार गारंटी कानून को मैं बोलता हूं, रोजगार गारंटी कानून की अभी तक उपलब्धियां क्या है जसवंत बाबू नहीं जानते हैं। झारखंड में पंचायत राज का चुनाव नहीं हुआ और रोजगार गारंटी का हथियार और उसका इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है पंचायती राज, वहां कैसे ठीक लागू आप देखेंगे। 18 लाख योजना 1 साल में काम लगा है, हाथ लगा है 18 लाख योजनाओं में। ये वो योजना कहूं देखे मोरम आ सड़क कह दिया संपूर्ण लूट है खसूट। इतना भारी गरीब सही बातों से इनकार करना है, आंख मूंदना। 4.5 करोड़ परिवारों को रोजगार मिला है, कहते हैं उसमें लूट है। अकाउंट से पेमेंट है बैंक या खाता से, बैंक या पोस्ट ऑफिस में। कितना खाता खुला है महोदय? 8 करोड़ खाता खुला है 8 करोड़ गरीब परिवार का बैंक अथवा पोस्ट ऑफिस में। बैंक में कोई झांकी पारता था, गरीब आदमी जाने देता था, अब वो खाता है, उसका खाता का मालिक है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने लिखा वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फाइनेंशियल इंक्लूजन ऑफ द वर्ल्ड। आज दुनिया में इतना बड़ा क्रांतिकारी काम अभी तक नहीं हुआ जितना हुआ। गरीब को आप क्या देते थे? काम भी नहीं। अब काम में 100 दिन का रोजगार गारंटी हुआ, प्राण छूट रहा है लोग का, पैसा जा रहा है, विभिन्न अर्थशास्त्री नाली में चला जाएगा। शुरू में लागू करने वक्त में ही विभिन्न अर्थशास्त्री का चला जाएगा। जॉन ड्रेज अर्थशास्त्री है, वहां सोशल ऑडिट किया है झारखंड में, और झारखंड के लिए तो खास करके रोजगार गारंटी वरदान है गरीबों के लिए। जरूर लागू करने में कहते कि जो सिंचाई करने में माली से पत्तियां कुछ झर गई होगी, कहते हैं कि आप उसको खत्म कर रहे हैं, जरूर कहीं त्रुटियां कमियां जरूर होगी, हो सकती। 6 लाख गांव, 2.5 लाख पंचायत, 619 डिस्ट्रिक्ट, और उसमें कैसे कैसे लोग काम करने वाले होंगे, गड़बड़ियां होगी। लेकिन आपने यह भी कहा कि कैसे बनाया गया, उसमें 0 टॉलरेंस टुवर्ड्स करप्शन है। कैसे भुगतान होगा, उसमें कैसे चोरी होगी, 60% मजदूरी पर भुगतान करना है, 40% मटेरियल खरीदना है, वो भी कैसे भुगतान अवैध है, वो भी चेक से भुगतान होना है। एक फिर उसमें जो काम होना है, लेकिन उसमें 5 बातों का महोदय महत्व दिया गया है। अवेयरनेस जनरेशन जानकारी, पीपुल्स पार्टिसिपेशन भागीदारी, अकाउंटेबिलिटी जवाबदारी, स्ट्रिक्ट विजिलेंस एंड मॉनिटरिंग खबरदारी, और ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता, 5 चीजें हैं उसमें। गड़बड़ी इसका राज्य सरकार लागू करे ना करे, और झारखंड की बात कहते हैं तो झारखंड में उनका राज था, G5 चलाया एन सब जेल में, उस राज में क्या हो सकता था। तो इसलिए वहां की एक उदाहरण देकर के रोजगार गारंटी जैसे क्रांतिकारी कानून, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और जितनी निष्पक्ष एजेंसियां हैं सबने जांच की है जो गरीबों के लिए वरदान है, देश के लिए कायाकल्प योजना है, लेकिन फंड जा रहा है तो प्राण छूट रहा है यहाँ एंटी रूरल एंटी पुअर लॉबी देश में। जब गरीब के लिए खर्चा कर कौन कहाँ है जहां फ्रॉड नहीं हो सकता, बैंकिंग इतनी बड़ी व्यवस्था है उसमें फ्रॉड नहीं होता, जाली करके ATM से नहीं जाली करके निकाल लेता, तो इसी गड़बड़ी और अपराध हो सकता। लेकिन रोजगार गारंटी में जो प्रावधान है महोदय, आ इसमें मैं करीब हर बात बोलता हूं, उसमें है ग्राम सभा, यहां तो पार्लियामेंट लोकसभा है, 6 महीने के अंदर जरूर बैठक होगी,
इसमें इतनी कमेटियां हैं, इतना पकड़ की गुंजाइश है, सीएजी है, जांच है, पड़ताल है, तब गड़बड़ी हो जाती है कि नहीं? तो इस गड़बड़ी को नहीं सूझता। वहां विधानसभा है, उसमें भी सब सवाल जवाब होगा, कार्रवाई होगी। वहां ग्राम सभा है महोदय, ग्राम सभा की बैठकें अनिवार्य संविधान में प्रावधान किया गया धारा 343 में, जो ग्राम सभा होगी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, लेकिन उसकी बैठक अनिवार्य होगी, ये प्रावधान नहीं है। तो इसीलिए वह कहीं बैठक होती नहीं होती, राज्य सरकार देखती नहीं देखती, कोई देखने वाला नहीं है, इसलिए कहीं कागजी बैठक, जाली बैठक हो जाती तो वहां गड़बड़ी हो सकती। तो इसीलिए हमारा एक ही काम कमी रह गई कि ग्राम सभा की बैठक जैसे लोकसभा और विधानसभा की बैठक का संविधान में प्रावधान है, उस तरह से उसमें भी प्रावधान होना चाहिए, ग्राम सभा की बैठक अनिवार्य होना चाहिए। और सेल्फ डिस्क्लोजर उसमें सब बात, इतने पैसे आए, कौन काम होना है, कितने मजदूर, कौन काम लिया, कितना पैसा मिला, सब उसमें बताना है। नहीं तो दिल्ली से बैठ करके 6 लाख गांव में काम ठीक हो जाए, कैसे कोई देख सकता? और कैसे ये योजना को कसूरवार कह सकता कोई, या केंद्र सरकार को कसूरवार कह सकता कोई? वहां राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, वो यहां से कार्रवाई करिएगा, कलेक्टर उनका यहां से कार्रवाई करिएगा, नहीं हमको ये हस्तक्षेप हो रहा, हमको ये स्टेट सेक्टर है, कौन यूनिट कहते हैं, यूनियन लिस्ट, ये स्टेट लिस्ट है, हमारा हस्तक्षेप हो रहा। तो इसलिए राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती, जिन राज्यों ने उस पर मुझे, आंध्र प्रदेश में जाकर कोई देख ले कैसा काम हुआ है वहां। तो जसवंत बाबू खिलाफ में रोजगार गारंटी को बोल दिए, हमको बहुत आश्चर्य नहीं है, देश भर में हल्ला उठ गया कि रोजगार गारंटी के चलते कांग्रेस की तरक्की हो गई और सरकार पलट गई, आ गई यूपीए नंबर 2 हो। तो कोई विपक्षी नेता कैसे कहेगा जय बहुत ठीक है, तो बुझता कि जे इसी के चलते आ गया, तो इसी को खराब कहो, इसी को खराब कहो, लेकिन ये नहीं समझते जे जी। हाँ ठीक बात है। वहां पर स्टेट में, बिहार में, इसको आपकी सरकार थी एनडीए की, उसने देखा जो केंद्र की योजना है लागू बढ़िया से नहीं किया, गड़बड़ी कर दिया, तो वहां के लोगों को यह रस बुझाया ही नहीं, देश भर के लोगों को बुझा गया, वहां नहीं बुझाया, इसलिए बाहर हो गए। इसलिए ग्रामीण विकास की सारी योजनाओं का वहां ग्राम सभा में करने का है। जय श्री गोरखनाथ पांडे जी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में बोल रहे थे, हमने नहीं शुरू किया, यूपीए ने नहीं शुरू किया, उन लोगों ने शुरू किया। साल में कितना खर्चा था, 2500 करोड़, 2500 करोड़ में एक ब्लॉक में 2 किलोमीटर 50 लाख 60 लाख खर्चा होता, कितना खर्चा हुआ है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 4 वर्षों में, 48,000 करोड़, 12,000 करोड़ केवल सड़क पर, और आपने संपूर्ण बजट में खर्च किया था 12,000 करोड़, 5 वर्षों में 72,000 करोड़, यहां एक साल में हुआ 72,000 करोड़, पहला साल 16,000 करोड़, बढ़ा 24,000 करोड़, 53% बढ़ोतरी, तीसरे साल 31,000 करोड़, चौथे साल 42,000 करोड़, पांचवे साल था 49,000 करोड़। नहीं कहते स्टूमुलस पैकेज क्यों दिया, पैकेज दिया तो ग्रामीण विकास का बजट हो गया 72,000 करोड़, 100% खर्च हुआ, 100% खर्च हुआ, गांव और गरीब का कोई बोझ होगा समझा होगा, ग्रामीण विकास की योजना ही सब जगह झलकती है, बूढ़ा बूढ़ी पेंशन, स्वर्ण जयंती, ग्रामीण स्वरोजगार योजना, महिलाओं की भागीदारी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये सभी से गांव का कायाकल्प हो रहा है, कोई देखे जा करके गांव में, इनकार नहीं करे, लेकिन उसमें गड़बड़ी हो सकती है, इम्प्लीमेंटेशन में चंद तरह के लोग हैं, लेकिन उसमें भी कानून है महोदय, ऐसी माननीय सदस्य को एमपी साहब को खबर करेगा, सड़क का ज्वाइंट इंस्पेक्शन होगा, एमपी साहब को खबर होती है नहीं होती है, और उनको जाना है, नहीं तो एमपी साहब कह देते हमको समय नहीं है, खत्म किया, और फिर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एमएलए के खबर करेगा, जूनियर इंजीनियर मुखिया के खबर करेगा, और ज्वाइंट चुने हुए प्रतिनिधि और लागू करने वाले अधिकारी इंजीनियर सब सड़क को देखेंगे, निरीक्षण करेंगे, साधारण खर्च 3,78,000 किलोमीटर सड़क,
कुल सड़क देश में है 33,000 किलोमीटर, 66,000 करोड़ हाईवे, 1,25,000 करोड़, 1,25,000 किलोमीटर मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, स्टेट हाईवे 3,50,000 किलोमीटर है मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, और 26,00,000 किलोमीटर है ग्रामीण सड़क, उसमें महोदय 3,70,000 किलोमीटर मंजूरी। माननीय सदस्यों ने सवाल उठाया, इसलिए रोजगार गारंटी कानून को बिना जाने समझे कितने एस्पेक्ट हुए, पंचायती राज का सशक्तिकरण हुआ उसी में महत्व है जो महात्मा गांधी का सपना था, ग्राम स्वराज का, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का, चौखंभा राज का, और बाबू जयप्रकाश नारायण का, सबका जो सपना था वह सपना का साकार है रोजगार गारंटी कानून। इसीलिए महोदय ऐसे सरसरी तौर पर और सरपासिंग रिमार्क्स में कुछ कह देना गरीबों के साथ अन्याय होगा। मैं ही पूछ दूंगा, एक स्कीम बताइए जहां जाली हुआ है, 100% अकाउंट पेमेंट है, कैश पेमेंट अवैध है, इसलिए अवैध है। कैसे तू कहता जो 1 रुपया में भेजते हैं 15 पहुंचता है, 100% पहुंचता है अकाउंट में। अब अकाउंट के बाद उसको नशा पिया कर गरीब आदमी है कोई ठग ले, फरेब करके जमीन लिखवा ले, हो सके ये शिकायत हो सके, लेकिन उसमें चोरी की गुंजाइश नहीं है, 0 tolerance towards corruption। लेकिन लागू करने में जहां तहां हेराफेरी हो सकती, पकड़े भी गए हैं, पकड़े जाते रहे हैं, और उसमें कड़ी निगरानी, डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस मॉनिटरिंग कमेटी है, 3 महीने पर बैठक करनी है। मैं पूछता हूं सब लोगों से, कैगो बैठक हुई जिला में आपने देखा कहीं, क्यों नहीं इंस्पेक्शन किया, क्यों नहीं कलेक्टर को निर्देश दिया, तुम यहां शिकायत है मोरम मोरम बोल रहे थे, मोरम और सड़क पक्का भी करने का उसमें प्रावधान है, 40% मेटीरियल कॉस्ट उसमें भी, दूसरी योजना से उस पर पक्का करा दो, बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड है, खर्चा हुआ बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड, उससे पक्की करवा दीजिए, कच्चा काम हो जाएगा रोजगार गारंटी से, डॉबटेल का प्रावधान है, अमल गमेशन का प्रावधान है, लेकिन सर जमीन पर यहां भारत सरकार से पार्लियामेंट से कैसे आप गांव में निगरानी नियंत्रण कर सकते, तो इसीलिए ये सभी चीजें हैं महोदय। तो अभी डिटेल में कभी मौका मिलेगा, हम तो ग्रामीण विकास पर, तो इसीलिए सब पर अक्षर अक्षर हम बताएंगे और जानकारी सदन को देंगे, जिससे गरीबों का कल्याण हो, लेकिन गांव में जो गरीब है बसते हैं, पार्लियामेंट का ऊंचा घर मैंने बनाया रे, लेकिन मुझे काम नहीं, ये था उसका, मंगनीलाल मंडल जी ने कहा था, हम लोग लड़ते थे समाजवादी लोग, काम को मौलिक अधिकार दो नहीं तो बेरोजगारी भत्ता दो, वो जब चरितार्थ हो रहा है तब हो रहा है जी खराब है खराब है खराब है, नहीं ये गलत नहीं, गड़बड़िया कोई दुनिया की कोई योजना उसमें गड़बड़ी नहीं हो सकती, हो सकती नहीं, उधर तक गरीब डॉक्टर लोहिया ने कहा था, करोड़ों की बात कहो, डॉक्टर ऐसा आदमी जो करोड़ों की बात बोले, एक आदमी पर 12 डॉक्टर, करोड़ों के लिए डॉक्टर नहीं, ये डॉक्टर लोहिया की बोली है, उसी पर हमको वो हुआ महोदय, मोह से मैं मुक्त हो रहा हूँ कि सही बात और वाजिब बात इस जन लोकसभा में, जहाँ देश भर के चुने हुए प्रतिनिधि आते हैं, जनतंत्र का सर्वोच्च पंचायत है, इसमें करोड़ों की बात और गरीबों की बात गूंजे, उनकी परेशानी का सवाल उठे, आ नहीं तो यहाँ कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट तक कितना हुआ, CII सोचे उसी से गरीब की बात नहीं, इसीलिए महोदय और इसलिए अब विपक्ष का काम ये नहीं है कि जो सब कुछ के खिलाफ है बोल दे, अब हो गया इतना फायदा देश भर में हल्ला कि रोजगार गारंटी से कांग्रेस लौट गई, यह फायदा कर गया, तो उन लोग को बुझाता है जो इसका खिलाफ करना चाहिए, तो इससे खिलाफ होगा, इससे गरीब का खिलाफ हो जाएगा, तो और आप लोग तो जाइए रहे हैं रथातल और चले, तो इन्हीं शब्दों के साथ बहुत धन्यवाद करता हूँ, थैंक यू वेरी मच। श्री रघुवंश प्रसाद सिंह, श्रीमान आसन पर ध्यान देंगे। जी महोदय, मैं बहुत उत्साहित हूँ कि आप आसन पर हैं।
इन्होंने 1500 रुपया आंगनबाड़ी सहायिका सेविका के 3000 महावारी हुई है उसके लिए हम धन्यवाद करते। आंगनबाड़ी सहायिका सेविका के 1500 था उसको 3000 और 750 था उसको 1500 किया। अब अवसर रहिए तो इसलिए उन्होंने किया तो उनकी संख्या करीब 28 लाख होगी देश में आंगनबाड़ी सहायिका सेविका की। तो उसके लिए तो आ गया प्रस्ताव 1500, लेकिन आशा को निराशा सरकार ने क्यों किया? आशा भी 8 लाख है, हजार की आबादी पर एक मान्य सदस्यगण जानते होंगे, उसको कोई रिम्यूनरेशन है ही नहीं। एगो दुगो कहीं काम मिल गया उनको प्रेगनेंसी वाला, कहीं उनके इलाके में तो 150 मिलता, कोई रिम्यूनरेशन नहीं है। सब हाल उठा रहे आशा का कोई जानता? सरकार के लोग जवाब दे सकते? मैं कैटेगोरिकली पूछना चाहता हूं कि आंगनबाड़ी के लिए तो आ गया प्रस्ताव, आशा के लिए क्यों नहीं हुआ? बजट बढ़ाने का, उसी में से नेशनल रूरल हेल्थ मिशन से उसकी संचालन समिति ने प्रस्ताव पारित किया था कम से कम 500 महावारी उनको भत्ता मिलना चाहिए, वित्त विभाग ने क्यों रोका? मैं कैटेगोरिकल सवाल पूछता हूं, क्या बजट बढ़ाने का और सप्लीमेंट्री बजट लाने का था उसमें? जब संचालन समिति ने पास किया, कौन होता है वित्त विभाग उसको रोकने वाला? क्यों रोका? ये सरकार से मैं जवाब चाहता हूं। 8 लाख है महोदय देश भर में आशा, जो स्वास्थ्य का काम, परिवार कल्याण का काम, इसमें इलाज का, गरीब का है? हाँ, तो इसीलिए आशा को क्यों निराशा किया सरकार ने? सर जवाब दे। संचालन समिति ने पारित किया, क्यों भाई वित्त विभाग ने रोका? क्यों उसके पास किया जाया है सप्लीमेंट्री बजट? इस तरह से भेदभाव के साथ सप्लीमेंट्री बजट आएगा, कैसे पास करे सदन इसको? ये सरकार जवाब दे। सवाल नंबर दो। सवाल नंबर तीन महोदय, ये मुझे यहां एम्स है, एम्स की कुव्यवस्था क्यों है? एम्स नाम ही अस्पताल है देश दुनिया में। आप समाप्त कीजिए महोदय, समाप्त आ गया बिंदु पर। तो वो एम्स में बड़े लोग जुटते, बिहार के लोग ज्यादा माननीय सदस्य होंगे, कोई माननीय सदस्य बताएं जिनके यहाँ 4-5 बीमारी मरीज नहीं आ रहे हो? पटना बोलता है, मुजफ्फरपुर बोलता है कैंसर है जाइए दिल्ली, ट्यूमर है जाइए दिल्ली, हार्ट है जाइए दिल्ली, वाल्व खराब है जाइए दिल्ली। यहाँ आता लड़खड़ाया हुआ है, 2-4 रोज में मरेगा, कहता 2012 में आइए, लेकिन 2013 में आइए। दर दर की ठोकर, विपत्ति पर विपत्ति, बीमारी से तबाह गरीब आदमी, 4 आदमी साथ में आएगा, आने जाने का खर्चा रहेगा कहाँ? अब संक्षिप्त कीजिए मान्य वरान। तो इसीलिए एम्स, तो सुना कि एम्स नया खुल रहा है, तो नया खुले, खुलने में कई बरस लगेगा, और फिर अपग्रेडेशन मेडिकल कॉलेज अस्पतालों का अपग्रेडेशन कहाँ क्यों नहीं हुआ बिहार में एक भी अभी तक, अन्य राज्यों में भी? चल एम्स का नहीं तो भीड़ बढ़ेगी, यहाँ भीड़ बढ़ रही है, लोग दर दर के ठोकर खा रहे हैं। उसी मुजफ्फरपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल, दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल, भागलपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल, गया मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल, अब संक्षिप्त कीजिए समय हो गया, पटना 5 गो एम्स का अपग्रेडेशन होना चाहिए, क्यों बजट में प्रावधान नहीं हुआ? सप्लीमेंट्री बजट में योजना आयोग ने 2 अस्पतालों का क्लियरेंस दे दिया है, क्यों बजट नहीं आया? क्यों उपेक्षा हो रही है? इस 5 अस्पताल का माननीय सदस्यगण के अन्य इलाके में भी जरूरत है, चूंकि लोग आते हैं वहां से एम्स में, यहाँ ठोकर खाते हैं, दुर्दशा होती है। संक्षिप्त कीजिए, इसलिए महोदय ये सवाल है। फिर महोदय ये सवाल है, ये फोर लेन में श्री बालू थे उस समय मंत्री, उस समय में बिहार में 900 किलोमीटर 4 लेन का मंजूर हुआ था, काट दिया सरकार ने, पटना से पूर्णिया काट दिया, कहा नहीं खगड़िया तक रहेंगे। मैं चुनौती देता हूं कैटेगरिकली, खगड़िया से जो पूर्णिया है उसका, फिर मुजफ्फरपुर से बरौनी उसको देखा जाए, उसका जो ट्रैफिक गणना है देखा जाए,
फोर लेन डिजर्व करता आप है संक्षिप्त कीजिए रघुवंश। मैं पटना से गया बोध गया दो भी, फिर पटना से बढ़ी, बढ़ी से रांची फोर लेन, अब बीच में टू लेन, कैसे होगा क्यों नहीं। देश में अभी सबसे भारी समस्या है जाम की। आरा से मलियाबाग और मोहनिया आप संक्षिप्त कीजिए, समय आपका हो गया। फोर लेन का डिजर्व करता है कि नहीं। मैं सरकार को चुनौती देता हूँ, छानबीन करो और देखो कि वो होने लायक है कि नहीं। आ नहीं अब संक्षिप्त कीजिए। देश में महोदय समस्या है, जाइए ब्लॉक मुख्यालय हो, जिला नारायण भाई हो, कोई शहर हो, नारायण भाई कचालिया जी, जाम है, लोग का जहाज छूटता और लोग की गाड़ियां छूटती और लोग अब आप बैठ जाइए, आपने बात अपनी कह दी। आई फोर लेन में इस तरह से चून बीच जहाँ पर भी पैगाम हेरा फेरी है वहाँ फोर नारायण भाई जी, जहाँ वाजिब है तहाँ फोर लेन नहीं। धन्यवाद 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 कंक्लूड किया महोदय, धन्यवाद धन्यवाद। और महोदय अब बैठ जाइए, आपका हो गया समाप्त। महोदय अंतिम एक कहने की, बेरोजगारी का देश में गरीबी क्यों है, इसलिए कि बेरोजगारी है। संक्षिप्त कीजिए, आपका समय हो गया। दुनिया का समाजशास्त्री अर्थशास्त्री, बेरोजगारी है इसलिए गरीबी है, बेरोजगारी खत्म होगी गरीबी खत्म होगी। नारायण भाई आप शुरू करिए, देखा रह जाए सपनी आचार्य जी आप शुरू करिए, इनका रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, इट विल नॉट गो ऑन रिकॉर्ड। सब संक्षिप्त कीजिए। अब रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, बस आप बोलना शुरू कीजिए। नारायण भाई आप बोलना शुरू कीजिए, आप बोलना शुरू कीजिए, ये रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। अब संक्षिप्त करिए, हो गया खत्म करिए, अब हो गया, धन्यवाद, हो गया हो गया हो गया। आपने बात कह दी, कह दिया। नारायण भाई जी शुरू करिए आप। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय। सभापति महोदया, किसानों की पीड़ाएं अनंत है, तत्कालीन ढंग से अभी गेहूं के भाव का सीजन का मध्य चल रहा, लेकिन किसान तबाह है कि खाद मिल नहीं रहा है। डीएपी और यूरिया की कीमत डेढ़ गुना दुगुना वृद्धि हो गई, इससे किसान तबाह है। खाद के दाम बढ़ने से, खाद नहीं मिलने से एक किसान तबाह है, हमारे इलाके के बिहार के और देश भर में जहां जहां रबी की खेती होती, गेहूं की खेती होती, यूरिया का और डीएपी का भारी अभाव हो गया और दाम भी दो गुना वृद्धि हो गई। काला बाजारी से किसान खरीदने को मजबूर है। इस और उधर एक तकलीफ है, लागत में खर्चा, खाद का मिलने का अभाव और खाद की कीमत में वृद्धि, और दूसरे तरफ धान को औने पौने दाम पर किसान बेचने को मजबूर है। लाख की सरकार ने घोषणा की मिनिमम सपोर्ट प्राइस, लेकिन एफसीआई ने सेंटर नहीं खोले और वहां धान खरीदा नहीं जा रहा है, इसलिए डिस्ट्रेस सेल के लिए किसान मजबूर है। हम सरकार से महोदया आपके माध्यम मांग करते हैं कि सरकार एक वक्तव्य के साथ खाद की कीमत क्यों वृद्धि हुई, खाद की कितनी कमी है, कैसे आपूर्ति होगी, किसानों की क्या समस्याएं हैं, और फिर किसान जो उपजाया है अनाज धान उनका खरीद, उनका चावल कैसे खरीद हो जो डिस्ट्रेस सेल के लिए मजबूर नहीं हो, एफसीआई मौजूद हो, मुस्तैद हो, नहीं तो भयानक संकट देश पर होगा जब किसानों की पीड़ा बढ़ेगी। तो इसीलिए महोदया ये तीनों सवाल अहम है किसानों के लिए, नहीं तो आपसे दरखास्त है सदन के माननीय सदस्यों से सबसे कि नहीं तो इस पर
बात चलाई जाए और सरकार उत्तर के साथ आवे। ये सरकार से मैं वक्तव्य की मांग करता हूँ। और किसानों की जो समस्या है, खाद की कमी, खाद की कीमत में वृद्धि और काला बाजारी, और साथ ही उनको डिस्ट्रेस सेल के लिए धान चावल बेचने को जो मजबूर हैं, उनका मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिले, इसके लिए सरकार को प्रबंध करना चाहिए, न तो देश पर संकट उपस्थित होगा। जैसे जैसे किसानों की समस्याएं बढ़ेगी, इसलिए उनका समाधान के बिना कोई उपाय नहीं है। यही हमारी दरखास्त है, यही प्रार्थना है। थैंक यू वेरी मच मैडम चेयरमैन। थैंक यू। श्री रघुवंश प्रसाद सिंह, कृपा निधान सभापति, कृपा निधान जी पहले मेरा सुन लीजिए। कृपा निधान जी, समय पर थोड़ा ध्यान रखें। जी सभापति महोदय, ये जो बैंक से संबंधित विधेयक सरकार ने के द्वारा आया है, इसमें सरकार ने दावा किया है कि सन 2007 में एक कानून बना था जिसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो मिल्कियत था, उस मिल्कियत के जगह पर सेंट्रल गवर्नमेंट आ जाएंगे और वो मिल्कियत रिजर्व बैंक के बदला सेंट्रल गवर्नमेंट के होने से एक कानून लाना पड़ा उनको, जो सन 56 का कानून हैदराबाद स्टेट बैंक का, और सन 59 का कानून जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सब्सिडियरी वाला कानून है, उसमें इस संशोधन का इन्होंने दावा किया। महोदय, हम नहीं जानते हैं कि बैंकिंग मामला में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ज़्यादा काबिल है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा काबिल, हमको नहीं जानकारी है इस सब के मामले में, गांव ग्राम से अधिक हम नहीं जानते। लेकिन सरकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बदले अपना मिल्कियत ले लिया, उसके चलते ही कानून आया। पुराने जमाने में सरकार का वित्त मंत्री रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर बहाल किया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर मंत्री हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, अब वित्त मंत्री वित्त मंत्री रह गए। तो पुराने जमाने से चल रहा है, उसमें ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा। नहीं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट का सवाल है, तो जब सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में मिल्कियत है, तो हमारा सवाल नंबर एक कि स्टेट वामपंथी मित्र 5 तारीख के बैंक के हड़ताल हुई देश भर में, क्यों नहीं आप लोग सवाल उठाया? बैंक का काहे वास्ते हड़ताल हुई? और देश में उस दिन हड़ताल बैंक का 5 आज इस 2007 के कानून के मुताबिक 2011 में आए हैं कानून लेकर के, और इन्होंने दावा किया कि 2007 में जो कानून बना था उसके चलते 2011 में, तो 4 बरस विलंब से यह हुआ। अब 5 अगस्त के हड़ताल हुई है देश भर में बैंकों की, कितनी बर्बादी हुई है, और उनकी मांग क्या है, और आज 6 दिन के बाद उस पर हम बहस चला रहे हैं बैंक पर, विधेयक पर। तो इसमें सवाल नंबर एक हमारा कि उनकी मांगे क्या थी, क्यों हड़ताल हुई, और कितनी बर्बादी हुई देश की, या कारोबार में कितना नुकसान हुआ, इसका जवाब दे। आज मौका मिला, आज तो 6 रोज में भी प्लीज प्लीज रघुवंश, आपने कमाया रघुवंश जी, 2007 में कानून, हम तो 6 दिन के बाद बोल रहे हैं। रघुवंश बाबू, आप आसन की ओर, सवाल नंबर एक। सवाल नंबर दो, हाँ एक बोल दिया है, अब दूसरा मैं बोल रहा, कहाँ तक जाएंगे आप महोदय? ना ज्यादा नहीं, 4 से ज्यादा। महोदय, इस बिल में है कि डायरेक्टर के हटाने में, मैनेजिंग डायरेक्टर के बहाल करने में, इस सब में सरकार के हाथ पांच हो गया। अभी स्टेट बैंक में 50 गो एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट, 50,
और 100 गो पीओ बहाल हुआ। पीओ बहाल होता, कंपटीशन होता, आई मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव कंपटीशन से बहाल हुआ। आ पीओ का है 2 बरिस का 730 दिन, और 729वां दिन 100 गो पीओ के हटा दिया, आप 50 गो मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव के हटा दिया। अभी हाल अभी कुछ दिन हुआ है, उसका साल भर का था तो 365 दिन के बदले 364वें दिन हटा दिया। ये सरकार को है जानकारी, हटाने का रखने का आपको जिम्मेदारी है, लेकिन स्टेट बैंक में अभी 50 गो जो मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव को हटा दिया और 100 गो पीओ के हटा दिया, एक साल पूरा जाता तो उसका अधिकार बन जाता है। आप लोग कानून ज्यादा जानते हैं, एक साल तक उनको मनमानी करने का हक है महोदय। तो 365 दिन के बदले 364वां दिन एक कलम से हटाया, क्या कसूर है? ये इंसाफ मैं चाहता हूं और सदन को जानकारी देकर के मैं न्याय चाहता हूं। कहते नौकरी दीजिए, वो कहते कर्मचारी की कमी है, कहते और लड़ाई लड़ते की आउटसोर्सिंग हो रही है। इतना कंपटीशन से बहाल आदमी के 100 मोटो मनमानी ढंग से हटाया, अभी सब दर दर भटक रहे हैं कोर्ट में। वो मेधावी लड़के जो कंपटीशन से हुए थे मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव में बहाल और पीओ में बहाल, 150 आदमी को हटाया स्टेट बैंक। सवाल नंबर 2 जवाब दे, क्या सरकार को जानकारी है? आई क्या न्याय हुआ है? क्यों उसका क्या कसूर है जो 365 दिन के बदले 364वां दिन हटा दिया? कहा जे हमको पावर है कि साल भर के अंदर में हम जखनी चाहेंगे तखनी हटा सकते, ये कौन कानून है? ये कहां का न्याय है? कहां की डेमोक्रेसी? कहां जनतंत्र? कहां संविधान? ये महोदय इतना भारी अंधेर हुआ है। ये सवाल नंबर 2 हमारा है स्पेसिफिक कि सरकार को जनका नहीं दुए को नहीं नहीं दू है दो दो टोटल महोदय टोटल 3 है आपका महोदय नहीं 3 तो इसीलिए उसमें कैटेगोरिकली हम जवाब नहीं चाहते महोदय, एक्शन चाहते, उसको तुरंत बहाल किया जाए फिर से। क्यों हटाया? कोई कसूर यदि है, मैं नहीं कहता हूं हटाने, कोई हेरा फेरी है गड़बड़ी है तब मैं नहीं कहूंगा। बिना कोई हेरा फेरी, बिना कोई कसूर, बिना कोई शो कॉज, बिना कोई जांच, बिना कोई पड़ताल एक सौ आदमी के हटा दिया पीओ के, अब 50 को मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव पीओ से थोड़ा ऊपर होता, पीओ से थोड़ा ऊपर होता, उसको हटा दिया। आई बल 365 दिन नहीं पूर्ण देंगे 364वां दिन, अब उसको 730 दिन नहीं पूर्ण देंगे 729वां दिन। ऐसा अंधेर कभी देखा सुना नहीं महोदय, दुख है, अफसोस है, आश्चर्य ही नहीं गुस्सा है महोदय, गुस्सा। ओ क्यों ऐसा हुआ, ये क्यों ऐसा हुआ? और सरकार को बताना पड़ेगा, बताना नहीं, जो गलत निर्णय हुआ है उसको तुरंत सुधार करके इस सदन में जवाब देना पड़ेगा, जो नहीं वो गलत हटाया गया था उसको बाहर, नहीं तो कोर्ट और कचहरी जा रहा है। वह गरीब लड़के कहा था बेरोजगारी का सवाल है, मेधावी लड़के थे, कंपटीशन से आए थे। अब तीसरा पॉइंट बोल के समारोह, तीसरा समारोह करना है ग्रामीण बैंक, ये लोग सवाल उठ रहा है गांव में बैंक नहीं है, गांव में बहुत बैंक जाना भी नहीं चाहता है, वो बैंक सिमट रहा है, दावा बहुत हो रहा है। अब गांव में बैंक की शाखाओं की इतनी कमी, और फिर गांव में बसने वाले लोग का कितना ऋण मिला था 7%, अर्ध शहरी और शहरी लोगों को 92%, क्या हिसाब चल रहा है, देश कहां जा रहा? ये कहते हैं कि गांव में बैंक, गांव वाले को बैंक की कहां सहायता है? अभी भी वो पुराने जमाने में चल रहे हैं गांव के लोग, गरीब आदमी साहूकार हो रहा है, बैंक भी अब साहूकार हो रहा, शहर में नहीं, गांव में नहीं जाना चाहता। धन्यवाद रघुवंश बाबू, तहसील महोदय धन्यवाद। अभी हाल में
ग्रामीण बैंक, मुजफ्फरपुर जिला के ग्रामीण बैंक, पारू थाना में सरमसपुर मैनेजर सच्चा तरफी हंगामा है, एजिटेशन चल रहा है ग्रामीण बैंक के लोग कर्मचारी अधिकारी। सब्सिडियरी है सबका, सीखिए, जानते हैं वो बैंक के सिखाने आए। लास्ट पॉइंट जय महोदय, गांव में बैंक का सवाल आया था, खुजली शुरू हो गई, जुलबुद्धि शुरू हो गई। ये गांव के में आबादी 72% लोन 7% कर्जे भी नहीं दे रहे हो तुम, संपत्ति और उनको रोजगार काम कहां तक देगो, कर्जा भी नहीं। ये क्या गरीब का, धन्यवाद महोदय, क्या गांव के लोग का क्या हाल, बहुत बहुत धन्यवाद, कर्जा भी नहीं। तो महोदय नहीं बता रहा था, पारू थाना के सरमसपुर बैंक में वहां का मैनेजर दलाल के चंगुल में आया नहीं, मार करके हत्या करके अटांग दिया और बहरा से ताला बंद करके चला गया। दो रोज के बाद दुर्गंधी हुई तब वहां लोग पहुंचे। ग्रामीण बैंक का यूनियन संघर्ष कर रहा है, सीबीआई की जांच कराओ, लोकल पुलिस से अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है अभी तक। और कहते जो उसको आश्रित के नौकरी दो, उसका बाल बच्चा का क्या होगा, कि ड्यूटी में वहां बैंक में काम कर रहा था, मार दिया, गांव में बैंक कैसे जाए। ग्रामीण बैंक और कहते कि वो उसकी हत्या हो गई और यूनियन के लोग लड़ रहा है। तहम सवाल नंबर 3 सरकार से चाहते हैं, हो गया कि वो, हाँ, 3 हो गया, उसमें करे 3 हो चुका, उसको उसके आश्रित को नौकरी, सीबीआई से जांच करके जो हत्यारे हैं श्री उनको पकड़ा जाए। अंतिम महोदय, अंतिम में मैं ये कहता हूं, बैंक का सवाल मुजफ्फरपुर का स्पेसिफिक है। कनाड़ा का रिजलैंड बैंक था ऑफिस मुजफ्फरपुर में, हटा दिया, फिर ये बैंक ऑफ बड़ौदा का रीजनल ऑफिस डिजर्व करता। सब बैंक वाले आए थे हमारे पास, कहा बैंक पर बहस है तो कुछ हम लोग का भी उसमें सुना जाए। एक खा क्या बात है, मुजफ्फरपुर पटना बिहार, महोदय आप जानते हैं जादे कि बिहार में पटना, पटना के बाद मुजफ्फरपुर उत्तर बिहार का राजनीतिक राजधानी, और वहां पर बैंक के सब जगह बढ़ रहा है, वहां बैंक घट रहा है। देहात में तो नहीं है बैंक, मुजफ्फरपुर में भी जो रूरल रीजनल ऑफिस बैंकों का, कनाडा बैंक का, बड़ौदा बैंक का, सबका होना चाहिए महोदय। तो इसीलिए ये बैंक के संबंध में, बैंक के बिना गरीबी कैसे हटेगी, कि 20 लाख करोड़ रुपए बैंक में जमा, गरीब आदमी हमारा पेट काट करके बैंक में पैसे जमा करते, धन्यवाद, लेकिन उनको लोन नहीं मिलेगा, लोन मिलेगा जहां डुबंद खाता। ये लोग भाषण कर रहे थे एनपीए एनपीए एनपीए, थैंक यू, ये एनपीए का जांच करिए क्या चलाती है, ऐसा या प्लीज, प्लीज, जो परफॉर्म नहीं करे, परफॉर्म नहीं करे वो सेट हुआ, ये चालाकी है, कैपिटलिज्म पॉलिसी है। रघुवंश बाबू, रघुवंश जी, मैंने लूट का पैसा डुबा, मैंने दूसरे सदस्य का नाम ले लिया है, प्लीज, लोग लेकर के अब उसको एनपीए एनपीए सब लोग, प्लीज प्लीज एनपीए, और डुबा दिया बड़े आदमी, उसमें कई परसेंट हमारा गरीब आदमी लिया है, कई परसेंट बड़ा आदमी लिया है, इसका भी हिसाब होना चाहिए, धन्यवाद। आई घाल में लोग कर रहे हैं, सेमेलाई या सही नहीं है, अब प्रोसीडिंग में सेमेलाई किया जाएगा। थैंक यू चेयरमैन सर, सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू टेक पार्ट इन द डिस्कशन। सेमेलाई जी थैंक यू चेयरमैन सर।